हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग देख रहे हैं पेपर टू इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। अर्थ इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने चैप्टर ओपन कर रखा है अपने क्लाइमेट का रिलेटेड। तो क्लाइमेट में हम लोग देख रहे हैं इंडियन मानसून। इस इंडियन मानसून में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कुछ छोटे मोटे मॉडल जो बेसिकली क्लासिकल मॉडल थे, और उसके हम लोग ड्रॉबैक्स देखते हुए रिसेंट मॉडल पे आए थे, जिसमें हम लोगों ने हेलीज मॉडल के बारे में देखा था, फॉन मॉडल के बारे में देखा था, और कुछ रीसेंट मॉडल जो कि इन दोनों मॉडल की कमियों के बारे में बता रहे थे। इसी मॉडल को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखेंगे इंडियन मॉनसून के बारे में। काफी कॉम्प्लेक्स और काफी टफ चैप्टर है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग देखेंगे, ITCZ के रिवर्सल के बारे में देखेंगे, प्रेशर चेंज के बारे में देखेंगे, विंड्स के रिवर्सल के बारे में देखेंगे, एल नीनो कॉन्सेप्ट के बारे में देखेंगे, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम लोगों को इस क्लास में देखना है। तो स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगेन ये कुछ हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं। बाकी हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो रखी है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, अगर आपको जरूरत है यू कैन सब्सक्राइब फॉर दैट। बाकी हमारे कुछ और भी कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, जो कि प्रीलिम्स स्पेशल, मेंस स्पेशल और टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग सिलेबस वाइज देखें तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रखा है, स्पेस रिलेशनशिप के बारे में बात कर रखा है, ड्रेनेज देख रखा है, फिजियोग्राफिक डिवीजन देख रखा है, और प्रेजेंटली हम लोग देख रहे हैं हमारे मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून एंड रेनफॉल पैटर्न को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और हम लोगों ने इस पूरे के पूरे क्लाइमेटिक रीजन को देख रखा था इंडियन मॉनसून पे। अब फटाफट एंटर करते हैं। तो इंडियन मॉनसून के बारे में अगर बात करें तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जो मॉनसून वर्ड है ये अरब कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा दिया हुआ है, मौसम वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ द विंड। तो रिवर्सल ऑफ द विंड से ये चले आती है। कई सारे इफेक्ट यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे पहला इफेक्ट हम लोग देखेंगे, तिब्बतन प्लेटू का इफेक्ट पहले देखेंगे। आपको पता है, पहले काम करते हैं जरा मैप पे आते हैं और मैप से हम लोग जरा समझने की कोशिश करते हैं क्या चीज है। यहां पर आपको पता है कि तिब्बतन प्लेटू है, यहां पर तिब्बतन प्लेटू आ जाती है, और ये तिब्बतन प्लेटू नियर अबाउट 4 किलोमीटर या जिसको आप बोल सकते हैं 4000 मीटर ये ऊंची है, हाइट पे है। और आपको साथ में ये भी पता है कि इधर में भी माउंटेन है, उधर में भी माउंटेन है, मतलब ये बेसिकली तिब्बतन प्लेटू एक तरीके का इंटर माउंट प्लेटू है। तो ये एक इंटर माउंट प्लेटू है, मतलब कि दो प्लेटू, दो माउंटेन के बीच में ये आया हुआ है। ऊपर के साइड में आ जाती है जो हमारी कुनलुन शियान है, और साथ में नीचे के साइड में आ जाती है जो हिमालय है। इन दोनों के कारण से होता क्या है कि ये जो रीजियन है वो हाई इंसुलेशन की वजह से, ऊपर से सन से हाई एनर्जी ले लेता है, और हाई इंसुलेशन की वजह से ये हीट बहुत ज्यादा हो जाता है। इसके हीट होने के कारण से कई सारी चीजें बदल रही होती हैं। क्या चीज बदल रही होती है, अब हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। अब जरा यहां पर एक और चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई मान लेते हैं कि विंड इधर से आ रही है, सपोज इधर से विंड आ रही है, तो अंदर की साइड में जब ये जाती है तो एक ये फिजिकल बैरियर बन जाती है। फिजिकल बैरियर बनने का मतलब है कि बहुत सारी हवाओं को ये रोक देती है, नंबर वन। नंबर टू, जेट स्ट्रीम एक चीज होती है जिसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, उस जेट स्ट्रीम को ये काफी ज्यादा इंपैक्ट या फिर इन्फ्लुएंस कर रही होती है अपने इस हाइट के कारण से। इस हाइट के कारण से बहुत ज्यादा यहां पर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इसको हम लोग अभी आगे डिस्कस करते हैं। जरा देखते हैं पहले तिब्बतन प्लेटू के बारे में। तो तिब्बतन प्लेटू की हाइट मैंने आपको बताया अभी 4000 मीटर या 4 किलोमीटर होती है। इस बहुत ज्यादा हाइट होने के कारण से ये एक बैरियर बना होता है, एंड ड्यू टू दिस इनॉर्मस हाइट ये इंसुलेशन बहुत ज्यादा रिसीव करता है, जिसके कारण से जो इसकी टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री ज्यादा अपने नेबरिंग एरिया से ज्यादा टेम्परेचर ये रिसीव कर रहा होता है। इसमें अगर बात करें कि इस टेम्परेचर के कारण, इस इंसुलेशन के कारण, अब आपको पता ही है इंसुलेशन के कारण से यहां पर हीट आती है। हीट भी एक तरह की एनर्जी है जो ms Δt देती है। डेल्टा टी यहां पर 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड ये ज्यादा दे दे रहा है, ये आपको क्लैरिटी आ गई है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कंट्रोल ऑन द जनरल एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन इन द रीजियन। अब थोड़ा सा एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में देख लेते हैं, और हमारा जो पुराना क्लाइमेटोलॉजी का चैप्टर है, हालांकि पेपर वन तो हम लोगों ने नहीं देखा है, लेकिन एक बार कुछ तो आइडिया होगा ही आपको, उसी आइडिया के बेसिस पे हम लोग यहां पर देखेंगे। तो आपको पता है कि अगर मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है,
दिस इज आवर अर्थ, जहां पर ये हमारा जीरो डिग्री है, या फिर इक्वेटर भी आप इसको बोल सकते हैं। इस इक्वेटर के बाद यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाती है और उसके ऊपर में 66.5 हो जाती है, जिसको हम लोग हॉर्स लैटिट्यूड भी बोल रहे होते हैं। तो दिस इज बेसिकली हॉर्स लैटिट्यूड, और इसके ऊपर में ये 90 डिग्री वाली पोलर लैटिट्यूड आ जा रही होती है। यहां पर हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए खैर, अब यहां पर हमें होता क्या है कि चूंकि इस लाइन पे इक्वेटर पे सीधी इंसुलेशन आती है, सीधी इंसुलेशन आने के कारण से ये लो प्रेशर रीजन बना होता है। लो प्रेशर के कारण से होता क्या है कि यहां पर जब भी कोई चीज, मान लेते हैं कि यहां पर बहुत ज्यादा अगर हीट पड़ रही है, जैसे इस एरिया में बहुत ज्यादा अगर हीट आ रही है, तो हीट के कारण से इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा, तो ये एरिया हाई टेम्परेचर हो जाएगा, और आइडियल गैस इक्वेशन बोलती है कि ये लो प्रेशर हो जाएगी। प्रेशर लो हो जाएगी तो सीधी सी बात है यहां की हवा जो होगी वो गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद ये ऊपर उठना शुरू कर देगी। तो जैसे जैसे ऊपर उठेगी ये क्लाउडिंग करते जाएगी, और जब ये क्लाउड ऊपर हाइट पे पहुंच जाएंगे तो क्या होगा, ये रेनफॉल करना शुरू कर दे रहे होते हैं, और इस रेनफॉल के कारण से यहां पर हाई रेनफॉल जमा हो जाती है, हाई रेनफॉल यहां पर देखने को मिल जाती है। और इस रेनफॉल को ही हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शनल रेनफॉल। ये सब तो आपको पता ही होगा, मैं फटाफट रिवीजन करा रहा हूं, केवल कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जा रही होती है। नीचे अगर लो प्रेशर बना होता है तो जैसे ही ऊपर जाएगी वो हाई प्रेशर बन जाती है, हाई प्रेशर के कारण से अब ये और ऊपर नहीं जा सकती है, इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। डिस्ट्रीब्यूट होने से एक रास्ता चला जाता है जो नॉर्थ पोल की तरफ चला जा रहा होता है, और दूसरा रास्ता चला जा रहा होता है जो साउथ पोल की तरफ जा रहा होता है। ये तो क्लैरिटी है। अब यहां से आपको देखने को मिलेगा कि हवा की जो एयर है उसकी सिंकिंग देखने को मिलती है हमें इस 30 डिग्री के नियर अबाउट के रीजियन में सिंकिंग देखने को मिलती है। इस वजह से ये रीजियन जो है वो हाई प्रेशर रीजियन बन जा रहा होता है। साथ में हमें पता है कि जो पोलर रीजियन है वो काफी ज्यादा कोल्ड होता है, और कोल्ड होने के कारण से यहाँ की टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, तो प्रेशर यहाँ पर काफी ज्यादा हाई हमें देखने को मिल जाएगा। हाई प्रेशर होने के कारण एक बात श्योर है कि यहां पर भी हमें सिंकिंग ऑफ एयर देखने को मिल जाएगी। तो यहां पर भी बेसिकली सिंकिंग हो रही होती है। सिंकिंग होने के कारण से अगेन ये हवा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अब इधर तो कुछ जाने को है नहीं, तो सारी हवा नीचे डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से इधर से भी हवा डिस्ट्रीब्यूट हुई है, एक साइकिल ये कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइकिल ये इधर चल रही है जहां से ये वार्म एयर आ रही है, वार्म एयर, और इधर से कोल्ड एयर। तो दिस इज कोल्ड एयर, क्यों? क्योंकि कोल्ड एयर मास या फिर पोलर एरिया से आ रही है, और यहां पर ये वार्म एयर है क्योंकि इक्वेटर साइड से आ रही है। तो यहां पर एयर राइज कर जाता है, क्यों राइज कर जाता है? क्योंकि यहां पर फ्रंट फॉर्मेशन हो जा रही होती है। तो फ्रंट फॉर्मेशन के कारण से इस तरीके से हमें विंड की एक साइकिल मिल जा रही होती है यहां पर, दूसरी साइकिल हमें अगेन यहां पर इस तरीके से मिल जाती है, और ये पूरा का पूरा हमारा एयर सर्कुलेशन बन जा रहा होता है। इस पूरे साइकिल को हम लोग बोलते हैं हेडली सेल, और इस तरीके से हमारी हेडली सेल सामने आती है, जिसमें बीच वाली जो सेल है इसको हम लोग फेरल सेल बोलते हैं, क्योंकि फेरल नहीं इसको बताया था, इस तरीके की चीज को फेरल नहीं बताया था। ये सारा चीज आप लोगों ने एनसीईआरटी में अपने बेसिक एटमॉस्फेयर में या फिर बेसिक क्लाइमेटोलॉजी के सेक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम लोग इसकी डिटेलिंग देखेंगे जब हम लोग पेपर वन की पढ़ाई करेंगे, हालांकि इसकी जरूरत है इसलिए मैंने इसको यहां पर डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए जरा, यहां पर हमें एक आइडिया लग गया है, काम करते हैं कलर को चेंज करते हैं ताकि एक अच्छे से आइडिया लगा। लेट अस टेक ब्लैक। यहां पर लो प्रेशर है इसलिए एयर जो होती है ऊपर उठेगी, और इस तरीके से एक सर्कुलेशन बना हुआ होगा जहां पर हमें इस तरीके की सर्कुलेशन देखने को मिल जाएगी। यहां पर डिप्रेशन हो रही है, सिमिलरली यहां पर भी डिप्रेशन हो रही है, और इस तरीके से यहां पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ होगा जहां पर ऐसी एयर आ रही होगी। अब यहां से ये वार्म एयर जा रही है आगे, यहां पर फ्रंट फॉर्मेशन हो रहा है, और अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट होकर के रखा हुआ है। क्लियर हो गया? यानी 30 डिग्री पे एक बात श्योर है कि सिंकिंग ऑफ एयर हमें देखने को मिल रही होगी, और ये जो सिंकिंग ऑफ एयर है ये ज्यादा, मतलब एयर हाई, यहां पर एयर गिर रही है, इस वजह से ये एरिया क्लियर एरिया हो जाएगा। क्लियर एरिया का मतलब क्लियर स्काई होगी, यहां पर क्लाउड वगैरह देखने को हमें नहीं मिलेंगे, और यहां पर रेनफॉल कंडीशन भी बहुत ही पुअर रहेगी या न के बराबर रहेगी। यहां तक तो क्लियर हो गया, ये सब चीजें क्लियर है। अब जरा एक और चीज देखिए, मैं इसको पूरा इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम लोग इरेज करते हैं जरा। अब जरा देखिएगा, ये जो एयर है, एयर, एयर से पहले काम करते हैं, जरा एक और चीज देख लीजिए, छोटी सी और चीज है।
ये मान लेते हैं हमारी इक्वेटर है, इक्वेटर मान लेते हैं, बीच में ये काम करते हैं, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है, दिस इज आवर साउथ पोल, ठीक है, बीच में कहीं पर मान लेते हैं इक्वेटर है। अब हमें क्या होता है कि इक्वेटर पे पता है कि हमारी जो इंसुलेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है और इंसुलेशन आगे की ओर घटते आती है, यहां पर 8 किलोमीटर होती है और यहां पे 18 किलोमीटर होती है, ये आपको पूरी की पूरी आइडिया है, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज द थिंग, इंसुलेशन के कारण से इस तरीके से ट्रोपोस्फीयर या फिर बोल सकते हैं कि ट्रोपोपॉज हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा होता है। अब जरा देखिएगा एटमोस्फियर के बारे में, एटमोस्फियर के बारे में आप लोगों को पता होगा कि इस तरीके से हमें ट्रोपोस्फीयर मिलती है, ट्रोपोस्फीयर की रीजन मिलती है, फिर उसके बाद से स्ट्रेटोस्फीयर की रीजन मिलती है, स्ट्रेटोस्फीयर काफी ऊपर चला जा रहा होता है, फिर यहां पर मेसोस्फीयर मिलती है और आयनोस्फीयर और फिर अल्टीमेटली एक्सोस्फीयर हो जा रही होती है। यदि आपको क्लैरिटी होगी यहां पर कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन जो हमारी एयर चल रही है, एयर को हम लोग रेड कलर से देख लेते हैं, जो हमारी एयर चल रही है ये इक्वेटर है, अगर मान लेते हैं इक्वेटर और ये पोल का इलाका है, कोई भी नॉर्थ पोल साउथ पोल में से कोई भी ले सकते हैं, यहां पर एयर बेसिकली राइज की थी तो जिसके कारण से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आया था। यहां पर एयर सिंक कर रही है, तो सिंक कर रही है तो क्लाउडी तो होगा नहीं, तो यहां पर बेसिकली हमें इस तरीके का एक साइकिल देखने को मिला था, ये साइकिल देखने को मिला था, यहां से ये साइकिल देखने को मिला था और अल्टीमेटली यहां पर हमें इस तरीके की चीजें देखने को मिल जा रही थी। क्वेश्चन ये उठता है क्या इसके ऊपर ये बियॉन्ड क्या पूरा वैक्यूम है क्या? नहीं, यहां पर भी एयर है बट ये एयर फ्री एयर होती है। इस फ्री एयर की जगह पे इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन लेस एयर या फ्रिक्शन लेस सरफेस, फ्रिक्शन लेस सरफेस। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि जो मैं बता रहा हूं वो बुक में नहीं लिखा है, ये रीसेंट स्टडी रीसेंट डेवलपमेंट है। अब जरा यहां पर देखिए, अगर हम लोगों ने देखा है कि ये जो इलाका है पूरा, यहां पर अगर हमारी जो मैं येलो कलर से कलर कर रहा हूं, ये इलाका अगर एयर का है यहां पर, तो एयर ऑलरेडी यहां पर इसके कारण से एक्स्ट्रा प्रेशर में हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? यहां पर ये कॉम्पैक्ट हो गया, कॉम्पैक्ट होने के कारण से ये हाई प्रेशर पे आ गया है, क्लियर? यहां पर रिलेटिवली कम प्रेशर लग रहा है, लो प्रेशर लग रही है, जिसके कारण से ये इलाका कम प्रेशर में है, लो प्रेशर में है। अब होगा क्या, हवा कैसे चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो एक एयर यहां पर भी नई एयर जनरेट हो जाएगी, नई मतलब कि ये जेट स्ट्रीम नहीं है, दिस इज समथिंग अदर देन जेट स्ट्रीम, जिसको कि हम लोग बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन। कुछ समझ में आया अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में क्या है? ये हम लोग थोड़ा सा अलग हट करके पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ देख रहे हैं, तो यहां पर हमें कह सकते हैं कि यहां पर एक अलग तरीके की हमें सर्कुलेशन दिखेगी, जिसको हम लोग बोलते हैं अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। एंड दिस सर्कुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम क्या होती है अलग से हम लोग अभी देखेंगे। ये इतना क्लैरिटी हो गई, ये भी एयर आगे की ओर मूव कर रही होती है और ये भी एयर मॉनसूनल एक्टिविटी को या फिर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इंपैक्ट कर रही होती है। अब जरा इतना समझ गए हैं तो अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखिए, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल कंट्रोल, और इस तरीके से ये पूरी की पूरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को इंपैक्ट कर रही होती है। एक चीज हम लोगों ने देखा है यहां पर कि अगर सपोज मान लेते हैं कि इस इलाके में इक्वेटर आके रखा हुआ है, आगे के इलाका ऐसे ही आएगा जहां पर हम लोग कहेंगे 30 डिग्री की लाइन है, इसी तरीके से आगे आएगा जो 60 डिग्री की लाइन होगी। यहां पर एयर राइज कर ही हुई है, ये हमारी एयर है और अल्टीमेटली ये एयर यहां से राइज करके रखी हुई है और अल्टीमेटली आगे की ओर मूव कर रही है, मूव करके 30 डिग्री पे ये सिंक कर रही है, ये क्लियर है? थोड़ा सा 3D फिगर बन रहा है, समझ में आ रहा होगा आपको। यहां पर फिर आगे एयर चल रही होती है और अल्टीमेटली यहां से फिर राइज कर रही होती है। ये जो राइज और सिंक है ये नॉर्मली तो आपको हर जगह सेम देखने को मिलेगा, लेकिन बीच में एक जगह आएगी जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं हमारा तिब्बतन प्लेटू। इस तिब्बतन प्लेटू पे हमें सरफेस कुछ अलग तरीके का, तिब्बतन प्लेटू पे हमें जो चीजें हैं वो थोड़ी अनयूजुअल देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहां पर इंसुलेशन काफी ज्यादा होगा और इस इंसुलेशन के कारण से यहां पर अगेन लो प्रेशर क्रिएट होगा। इस लो प्रेशर के कारण से होगा क्या कि यहां पर अगेन हाइट पे इस तरीके से एयर राइज करना शुरू कर जाएगी बजाय कि सिंकिंग करने के। जैसे 30 डिग्री पे देखिए सिंकिंग हो रही है, लेकिन यहां पर एयर राइज करेगा और इस एयर राइज करने के कारण कई सारी अलग चीजें अलग घटनाएं हो जाएंगी। इसी वजह से तिब्बत की प्लेटू को अलग से पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दैट इज वाई यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि प्लेटू ऑफ तिब्बत
इफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर इन टू वे. एक तो सेपरेटली पहले तो फिजिकल बैरियर बना जाता है और दूसरा जो होता है हाई लेवल हीट सोर्स बन जाती है, या फिर बोल सकते हैं इसी को कि हम लोग लो प्रेशर रीजियन बन जा रहा होता है. इतना क्लियर हो गया यहां पर तिब्बतन प्लेटू के बारे में, आपको पूरी आइडिया लग गई. अब जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेशन लंबा होगा लेकिन क्लाइमेट के बारे में आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी और ऐसी आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे ताकि कोई भी बुक ना देखना पड़े. बुक में काफी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है इसलिए आसानी के साथ समझेंगे. तिब्बत के प्लेटू की सारी कहानी समझ में आ गई. अब देखिए ये चीज हम लोगों ने देख रखा है, इस तिब्बत के प्लेटू में यहां पर मान लेते हैं कि हमारा तिब्बत का प्लेटू है, जैसे तिब्बतन प्लेटू. इस तिब्बतन प्लेटू के कारण से जो हवा सिंक करनी चाहिए थी, जैसे इस एयर में, जैसे ये मान लेते हैं कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड 23.5 है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है भाई, कर्क रेखा है, तो इसी के जस्ट ऊपर में यहां कहीं आपको 30 डिग्री दिख रहा होगा और यहां पर बेसिकली एयर की सिंकिंग हो रही होगी, एयर की सिंकिंग हो रही होगी, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एयर राइज भी कर रहा है, ये एयर राइज भी कर रहा है. तो राइज करने के कारण से यहां पर कुछ अलग फिनोमिना होगी, उस फिनोमिना को हम लोग अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या फिनोमिना हो रही है, और कंटिन्यूअसली इसी मैप पे हम लोग लोकेट करते रहेंगे ताकि सबका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें समझ में आ जाए. इंडियन मॉनसून में जब आते हैं तो हमें एक थ्योरी आती है जो एमटी इन के द्वारा दी गई थी, मॉनसून इन के द्वारा दी गई थी. यहां पर इन्होंने बोला कि देखिए जो तिब्बतन प्लेटू है, ये जो तिब्बत का पठार है, ये एक फिजिकल बैरियर की तरह बन जाता है. एट द बिगिनिंग ऑफ जून होता क्या है, यहां पर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम यहां पर कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती हैं. एक काम करते हैं, चलते हैं पहले जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद से हम लोग अपने इस थ्योरी के बारे में आएंगे ताकि और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी. तो चलते हैं पहले जेट स्ट्रीम की तरफ और जेट स्ट्रीम पहले पढ़ लेते हैं. तो जेट स्ट्रीम के बारे में अगर आप देखेंगे तो जेट स्ट्रीम एक क्या होती है, जेट स्ट्रीम के बारे में अब देखिएगा जरा. ये मान लेते हैं हमारी ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर, हालांकि जो होता है ट्रोपोस्फियर इंक्लाइंड होती है, बट यहां पर सिंप्लिसिटी के लिए सीधा रख लेते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा. इस ट्रोपोस्फियर के जस्ट ऊपर आपको एक रीजियन मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज. ठीक है, क्यों ट्रोपोपॉज होता है, क्योंकि सीधी सी बात है ट्रोपोस्फियर तक ये टेम्परेचर डिक्रीज कर रही होती है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन जोन बनता है जो कि टेम्परेचर का ये जो कह लीजिए एनोमली है उसको बैलेंस कर रहा होता है. इसी टेम्परेचर एनोमली में एक विंड बह रही होती है जो काफी स्पीड में होती है और ये वेस्ट टू ईस्ट बह रही होती है. इस विंड को हम लोग बोलते हैं, काफी हाई स्पीड विंड होती है, हाई स्पीड मतलब 300 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है हाई स्पीड विंड, इसको हम लोग बोलते हैं जेट स्ट्रीम. ये जेट स्ट्रीम मियंड्रिंग बना रही होती है, जैसे आप देख सकते हैं इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट मूवमेंट इन अपर एयर वेस्टर्ली विंड. वेस्टर्ली क्यों, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट बह रही होती है, इरेग्युलर होती है, कंसंट्रेटेड होती है, मियंड्रिंग बैंड बना रही होती है. क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाई दिस मियंड्रिंग बैंड, मियंड्रिंग बैंड इसलिए बना रही होती है क्योंकि लगातार इसको हाई प्रेशर और लो प्रेशर का रीजियन मिलता जाता है. तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब हाई टू लो, फिर उसके बाद से आगे हाई टू लो, इस तरीके से मूवमेंट लगातार आगे की ओर होता जाता है, एक इफेक्ट. दूसरा इफेक्ट यहां पर देखिए कोरियोलिस इफेक्ट लग जाता है. कोरियोलिस के कारण से ये जो विंड है लगातार अपने राइट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं अपने नॉर्थ हेमिस्फीयर की. तो हम मान लेते हैं कि ये हवा चली और ये अपने राइट की ओर मूव कर रही है, तो राइट की ओर मूव करेगी तो इस तरीके से हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा. अब ये मियंड्रिंग बेसिकली दो तरीके की होगी, क्लियर करते हैं इसको और आगे बात करते हैं. मियंड्रिंग हमें दो तरीके से देखने को मिलेगी, कैसे दो तरीके से, ये मान लेते हैं कि हमारा काट देते हैं सरफेस, ये हमें एक सरफेस है और ये हमारी मान लेते हैं कि फ्रंट व्यू हो जाएगी, इधर से, इधर से जब आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू हो जाएगी और मियंड्रिंग हमें इस तरीके से यहां पर देखने को मिलेगी, ये मियंड्रिंग. और दूसरा एक और मियंड्रिंग देखने को मिलेगा हमें इस तरीके से, यानी कि ये जो विंड है वो डबल डबल मियंड्रिंग कर रही है, हॉरिजॉन्टल भी डायरेक्शन में मियंड्रिंग कर रही है और साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में भी मियंड्रिंग कर रही है, यानी ये थ्री डिमेंशनल विंड है, थ्री डिमेंशनल विंड है जो कि अपने राइट साइड में और टॉप साइड में दोनों जगहों पर प्रेशर एनोमली फेस कर रही है, प्रेशर एनोमली. ये प्रेशर एनोमली बेसिकली दो तरीके से है, एक तो प्रेशर डिफरेंस के कारण से ही हो रहा है, दूसरा जो हो रहा है वो हो रहा है कोरियोलिस के इफेक्ट की वजह से.
कोरियोलिस फोर्स की इफेक्ट की वजह से हो रही है, हल्की सी मूवमेंट हुई, उस मूवमेंट के कारण से लगातार ये अपने राइट डायरेक्शन में मूव कराने की कोशिश कर रहा होगा। दूसरा है प्रेशर, जो हाई टू लो हमेशा मूव कराने की कोशिश कर रहा होगा। इन दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें जेट स्ट्रीम के रूप में, 3D विंड के रूप में, मियांडरिंग के रूप में देखने को मिल जा रहा होगा, और इसी कारण से मियांडरिंग बेल्ट बन रही होती है। इतनी क्लैरिटी आ गई मियांडरिंग तक की बात क्या हो रही है। नेक्स्ट बोलती है इट इज अ काइंड ऑफ जियोस्ट्रॉफिक विंड। अब देखिए जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है, हमें अगर किसी भी विंड पर देखें तो विंड पर हमें तीन फोर्सेस लग रहे होते हैं। एक फोर्स लगता है जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जो प्रेशर एनोमली के कारण से लगती है, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होती है, एक फोर्स होती है। दूसरी फोर्स होती है जो इसकी एमजी के कारण से होती है, या इसको बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल वेव के कारण से या ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से हमें एक वेव देखने को मिलती है, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि ये बायंसी फोर्स है, बायंट फोर्स लग रही है, बिकॉज एयर इज अ फ्लूइड, एयर फ्लूइड है तो इस वजह से बायंसी फोर्स लग रही है। और इसके ऊपर एक तीसरी फोर्स लगती है जिसको हम कोरियोलिस फोर्स बोल रहे होते हैं, कोरियोलिस फोर्स। इन तीन फोर्स का जब हम क्यूमुलेटिव करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, और जब प्रेशर ग्रेडियंट एमजी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर देता है, तो ये और ये कैंसिल हो गया, केवल और केवल ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही होती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, दिस मूवमेंट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, और इस कोरियोलिस फोर्स के कारण से जो विंड बहती है, जो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में विंड बह रही है, उसको हम लोग बोलते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड, जियोस्ट्रॉफिक विंड। ये तो आपको क्लैरिटी होगी ही, यानी कि अब देखिए हमारा जो ये जेट स्ट्रीम भी मूव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ही तो कर रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वेस्ट टू ईस्ट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रहा है, थोड़ी मोड़ी मियांडरिंग है, थोड़ी मोड़ी, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट बेसिकली ये वेस्ट टू ईस्ट मियांडरिंग करते हुए बह रहा है, यानी ये एक तरीके का जियोस्ट्रॉफिक विंड हो गया। तो यानी जेट स्ट्रीम जो होती है वो एक तरीके की जियोस्ट्रॉफिक विंड होती है, क्लियर हो गया। और ये विंड ट्रेवल कर रही होती है 300-400 किलोमीटर, जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड, देख सकते हैं काफी ऊपर बहती है, ट्रोपोस्फियर के आसपास में बहती है, ट्रोपोस्फियर से ऊपर कह सकते हैं पॉज में बह रही होती है। वेस्टर्ली विंड होती है बिटवीन मिडिल लैटिट्यूड एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर दो इलाका है जहां पर जेट स्ट्रीम बह रही होती है, एक इलाका है जो देख सकते हैं आप मिडिल लैटिट्यूड की साइड में है, जो विंटर में शिफ्ट होकर के चली जाएगी इस इलाके में। अभी हम लोग देखेंगे कैसे शिफ्टिंग हो रही है एंड ऑल दैट। अब जरा आते हैं, काम करते हैं, शिफ्टिंग ही देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है, दिस इज आवर अर्थ, आधा बनाता हूं मैं। यहां पर जब समर का मौसम है, जब समर का मौसम है, और दूसरे साइड ले लेते हैं जब विंटर का मौसम है, ये मान लेते हैं, इधर लिख देते हैं विंटर और इधर मान लेते हैं समर। तो समर के सीजन में क्या होता है कि सन रेज जो है डायरेक्टली ट्रोपोस्फियर के ऊपर, मतलब कि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आना शुरू हो जाती है, और इस वजह से जो ITCZ है वो मूव कर जाती है कुछ इस तरीके से। ITCZ मूव करेगा तो यानी कि लो प्रेशर जोन बेसिकली मूव कर गया है, इस लो प्रेशर जोन के मूव करने के कारण से ऊपर भी हमें मूवमेंट इस तरीके से देखने को मिल जा रही होती है। तो ये लो प्रेशर हो गया, ऊपर में हाई प्रेशर हो जाएगा, फिर इधर लो प्रेशर हो जाएगा, और अल्टीमेटली पोल एरिया में हाई प्रेशर तो बना ही हुआ है। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिल जाती है। और वही अगर विंटर के मौसम बात करें तो ITCZ कुछ इस तरीके से मूव कर रही होती है, तो लो प्रेशर जोन हल्का सा 5 डिग्री नीचे चला जाता है, और इस तरीके से लो प्रेशर बन जाता है, यहां पर यह हाई प्रेशर बन जाता है। अगर मान लेते हैं 23 डिग्री यहां पर है, तो 20 डिग्री पे चला जा रहा होता है हमारा हाई प्रेशर। सिमिलरली जो 66 डिग्री पे होता था वो नियर अबाउट 45-50 डिग्री के नियर अबाउट में चला जाएगा लो प्रेशर, और अल्टीमेटली पोल एरिया में तो हमें 90 डिग्री पे यहां तो हाई प्रेशर बना ही हुआ है। तो यहां पर कहता है कि जो कह लीजिए कि जेट स्ट्रीम है वो मूव कर रही होती है इस इलाके में, इस मिड लैटिट्यूड इलाके में। यह इलाका कौन सा है, 20 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच का इलाका है, जो कि शिफ्ट होकर के कहां चला गया है, यहां चला गया है। और ये जो इलाका बन रहा है वो आप कह सकते हैं कि 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का इलाका है। तो आप देख सकते हैं समर के मौसम में, ये है समर का मौसम, और यहां पर देखिए 35 टू 40 डिग्री के बीच में चला गया है, और विंटर के मौसम में देख सकते हैं कि 20 टू 45 डिग्री के बीच में चला गया, या 35 डिग्री के बीच में, कुछ भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली जो जेट स्ट्रीम है वो एक ही जेट स्ट्रीम है, दूसरी एक और जेट स्ट्रीम होती है जो पोलर एरिया में बह रही होती है, और ये फ्रंट फॉर्मेशन के कारण से होती है, इसकी हमें यहां पर जरूरत नहीं है। वो हम लोग जब पेपर वन
फिजिकल ज्योग्राफी में देखेंगे तो वहां पर मैं डिटेलिंग के बारे में दोनों के बारे में बताऊंगा। इस जेट स्ट्रीम फिलहाल हम लोग केवल और केवल इस वाले जेट स्ट्रीम पे फोकस कर रहे हैं। कौन से वाले जेट स्ट्रीम पे? ये वाले जेट स्ट्रीम पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, इसका नाम बोला जाता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया? काफी डिटेल में हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा समय लगेगा, आराम से देखते रहते हैं। चलिए, तो ये हो जाती है हमारी ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बह रही है। रिसेंट में जो रिसर्च हुई है वो ये बोलती है कि जितनी भी विंड फोर्सेज है, जो हमारी जेट स्ट्रीम है, ये सरफेस की जो वेदर कंडीशन है उसको काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है। तो जेट स्ट्रीम के बारे में समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ जेट स्ट्रीम ऑन द ओरिजिन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन मॉनसून मे बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन बाय द समर एंड विंटर सीजन। बात करें अगर अपर एयर सर्कुलेशन हम लोग देख रहे हैं विंटर सीजन में। अब जरा देखिए विंटर सीजन में, और विंटर सीजन में एक काम करते हैं, यहां पर देखते हैं। विंटर सीजन में हमें पता है कि हमारी जो जेट स्ट्रीम है वो मूव कर रही है कहां से, 20 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच में। तो 20 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में मूव कर रही है, यानी अगर इंडिया के पार्ट के बारे में बात करें तो इंडिया का पार्ट इसमें मिड लैटिट्यूड वाला रीजन आ जाता है। मान लेते हैं कि हमारा इंडिया का पार्ट है, इंडिया के पार्ट में अगर आप आएंगे तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट हो जाएगा और इधर से ये साउथ का पार्ट स्टार्ट हो जा रहा होता है। यहां पर हमारी गुजरात आ जाएगी, इस तरीके से ये रीजन आ गया। 23 डिग्री ये बीच से गुजर रहा होता है, ये आपको पता ही है। यहां से जस्ट नीचे यानी कि ये रीजन हो गया, 35 डिग्री रीजन ये हो गया। तो इन दोनों के बीच का जो रीजन है, ये जो कह सकते हैं रीजन है, बेसिकली इस रीजन में जेट स्ट्रीम मूव कर रही है। लेकिन क्या सरफेस पे है? क्या नहीं, कहां पर है? ट्रोपोपॉज में है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये अगर इंडिया का कॉन्टिनेंट है, या बोल सकते हैं इंडिया का सरफेस है, तो इस इंडिया के सरफेस से ऊपर कहीं पर यहां पर जेट स्ट्रीम इस तरीके से मूव कर रही है। इतना क्लियर हो गया। ये जेट स्ट्रीम एक्चुअल में हुआ क्या है कि अपने 45 डिग्री से नीचे आई है। 45 डिग्री से नीचे आने के कारण से हुआ क्या, ध्यान से अगेन सुनना है। 45 डिग्री से नीचे आने पे हुआ ये है कि जैसे ही ये नीचे के साइड में शिफ्ट होने की कोशिश करेगी, इस तरीके से यहां पर आ जाएगा तिब्बतन प्लेटू। इस तिब्बतन प्लेटू के कारण से एक विंड जो है वो नॉर्थ के साइड में टूट करके चली जाएगी और दूसरी विंड मूव कर जाएगी इंडिया के साइड में। तो बेसिकली यहां पर कह सकते हैं कि जेट स्ट्रीम है उसका बाइफर्केशन हो गया, दो पार्ट में टूट गया। वन साइड चली गई जो नॉर्दर्न साइड की हो गई और दूसरी हो गई जो सदर्न साइड में आ जा रही होती है, और यही वो जेट स्ट्रीम है। ये वो जेट स्ट्रीम है, क्लियर हो गया। ये लेकिन कहां मूव कर रही है? ये मूव कर रही है ट्रोपोपॉज में। यहां तक क्लियर है? अब जरा यहां पर देखिए, द अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो इस एरिया में फ्लो कर रही है बिकॉज ऑफ विंटर मोशन ड्यू टू इक्वेटर वर्ड शिफ्ट ऑफ अपर एयर सर्कुलेशन या अपर एयर नॉर्थ पोलर वर्ल्ड ड्यूरिंग नॉर्दर्न विंटर, विंटर के सीजन में ही अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम दो पार्ट में डिवाइड हो गई क्योंकि फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है हिमालय का और तिब्बत के पठार का। तो इस तरीके से यहां पर हम लोग देख लिए, ये जो जेट स्ट्रीम है वो दो पार्ट में टूट गई है, एक पार्ट ऊपर चली गई है, दूसरी पार्ट नीचे चली गई है क्योंकि बीच में हिमालय आ गया और साथ में ये तिब्बत का पठार आया हुआ है। इस इलाके के कारण से बाइफर्केशन हो गया, एक इलाका हिमालय के साउथ में चली गई और दूसरा ब्रांच जो है वो नॉर्थ साइड में चला गया है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। द अपर एयर सर्कुलेशन, ये फिगर को रहने देते हैं और पढ़ते हैं क्या चीज है यहां पर। द अपर एयर हाई प्रेशर एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशन। अब देखिए एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या है, देखिए यहां पर हुआ क्या, ये जो हमारा पाकिस्तान का रीजियन है या फिर कह लीजिए राजस्थान का जो थार का एरिया है, ये हाई प्रेशर बन गया है। क्यों हाई प्रेशर बन गया है? ठंड का मौसम है, डेजर्ट है, जल्दी ठंडी हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाएगी तो कम यहां पर टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो प्रेशर हाई बन जाएगा। इलाका समझ में आ गया, ये इलाका हाई प्रेशर का जोन बना रहता है। इस हाई प्रेशर के कारण से, अब जरा अगेन ध्यान से समझने की जरूरत है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा 3D फिगर है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब यहां पर देखिएगा, क्योंकि यहां पर इस तरीके से हाई प्रेशर बना हुआ है। अब देखिए यहां पर ये मान लेते हैं कि हमारा पाकिस्तान या फिर राजस्थान का रीजन है और ये हमारी आगे की मान लेते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का इलाका इधर मान लेते हैं आ गया। इस इलाके में हाई प्रेशर बना हुआ है, कहां पर? सरफेस पे। तो सरफेस के ऊपर क्या बना हुआ है? लो प्रेशर बना हुआ है। इस लो प्रेशर के कारण से हमें पता है यहां पर कौन सी विंड ब्लो कर रही है,
जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है और हमें पता है कि ये विंड या कोई भी विंड लो प्रेशर की ओर अट्रैक्ट होती जाएगी, यानी कि ये जो साउथ वाली ब्रांच आई है ये और अट्रैक्ट हो रही है किधर के साइड में, पाकिस्तान के साइड में। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर के कारण से इसके जस्ट ऊपर में लो प्रेशर बनी हुई है और इस तरीके से जेट स्ट्रीम इंडिया के मेनलैंड में लगातार खींचते हुए चला आएगा। क्लियर हो गया? तो इस वजह से यहां पर लिखा हुआ है कि जो एंटी साइक्लोनिक क्लॉकवाइज कंडीशन होती है, दिस डेवलप इन ट्रोपोस्फियर ओवर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, कंसिक्वेंटली द विंड टेंड डिसेंड ओवर नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से ये इधर के साइड में शिफ्ट हो जा रही होती है। फिर उसके बाद से बिसाइड द अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ऑल्सो कॉज पीरियोडिक चेंज इन जनरल वॉटर कंडीशन बिकॉज दे लाई ओवर द टेम्परेट लो प्रेशर साइक्लोनिक वेव विच मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम अक्रॉस द मेडिटेरेनियन सी एंड ऑल दैट। ये सब चीजें अभी हम लोग देखते हैं क्या चीज है। यहां तक क्लियर हुआ क्या चीज है? वेस्टर्ली जेट कैसे अंदर की ओर आ रही है, कैसे अट्रैक्ट हो रही है। आगे बढ़ते हैं, जरा इसको मैं इरेज करता हूं ताकि लास्ट वाला पैराग्राफ दिखे। ओके, अब बोलता है कि ये जो विंड से ये जो स्टॉर्म है एक्चुअल में फ्रंटल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, फ्रंट थोड़ी ना बना है, ये तो जेट स्ट्रीम बनी हुई है और ये जेट स्ट्रीम जो है बेसिकली वो हाई प्रेशर ओवर पाकिस्तान के कारण से, और ये क्यों बना है, बिकॉज ऑफ सैंड या फिर बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ डेजर्ट यहां पर आके बना हुआ है। फ्रंटल साइक्लोन जो बनती है वो हमें पता है कि टेम्परेट इलाके में बन रही होती है और ये टेम्परेट इलाका मूव कर जाता है कहां पर, मेडिटेरेनियन के पास में। मेडिटेरेनियन रीजन में अगर देखेंगे, अगर मैप देखूं मैं, बना है नहीं, मैप नहीं बना है, कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं इस इलाके में। ऊपर आइए, यहां पर आपको मैप देखने को मिल जाएगा तो वहां से आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। यहां पर देखिए, ये हमारा इलाका मेडिटेरेनियन का रीजन है, दिस इज मेडिटेरेनियन इलाका। यहां पर टेम्परेट साइक्लोन बन के रखा हुआ है, इस टेम्परेट साइक्लोन से यहीं से तो जेट स्ट्रीम आ रही है। ये जेट स्ट्रीम अंदर की ओर में अट्रैक्ट हो गई क्योंकि यहां पर इलाका हाई प्रेशर का बना हुआ है। कलर को चेंज करते हैं ताकि समझ में आएगा। ये यहां से निकल करके आ रही है और लगातार यहां पे मॉइस्चर मिला हुआ है, बिल्कुल मॉइस्चर मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वाटर बॉडी है यहां पर, मेडिटेरेनियन है, पानी लेकर के आया, पानी बारिश करते आया करते आया, कैस्पियन सी मिल गई, ब्लैक सी मिल गई, लगातार ये जो है ओशियन लगातार ये बारिश करते हुए आ रहा है, बारिश करते हुए आ रहा है और इंडिया में आ गया है, इंडिया में आ गया, बारिश कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कब? विंटर के मौसम में, ठंड के मौसम में। तो यहां पर टेम्परेट साइक्लोन के कारण से या फिर बोल सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के कारण से हमें ये पूरी की पूरी सीन देखने को मिल रही है। तो जेट स्ट्रीम पे वापस से हम लोग अपनी वापसी करते हैं और जेट स्ट्रीम में हम लोगों ने देखा था कि दिस स्टॉर्म आल्सो नॉट फ्रंटल साइक्लोन, ऑब्वियसली बात है, देख लिया था सीन क्या हो रहा है। बट वेव्स विच मूव एट ए हाइट ऑफ 2 किलोमीटर फ्रॉम मीन सी लेवल सरफेस नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड के संपर्क में आ जा रही होती है। The arrival of these temperate storm, जिसको कि western side disturbance, जो अभी हम लोगों ने Mediterranean से हवा लेकर के आए थे ना, वही वाली जो western disturbance है उसके कारण से हमें precipitation देखने को मिल जा रही होती है and abrupt decrease in air temperature। Clear हुआ क्या चीज है? जितना abrupt temperature मतलब जितना cool होते जाएगा उतना ज्यादा high pressure बनता जाएगा, हाई प्रेशर बनेगा तो उसके ऊपर में मतलब कि जस्ट ट्रोपोपॉज में लो प्रेशर बनता जाएगा, लो प्रेशर बनता जाएगा तो जेट स्ट्रीम और ज्यादा अट्रैक्ट होते जाएगी। क्लियर? जैसे ये विंटर जो हमारी ये जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है पास ऑन हो जाएगी तो जेट स्ट्रीम अब ऊपर की ओर में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। कैसे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा? कंडीशन अब अप्रैल वाली आनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे, जहां पर हमें जो सिस्टम है, जो हमारा जेट स्ट्रीम का जो मूवमेंट है वो अब हमें दिखना शुरू हो जाएगा। किस तरीके से? ये जैसे मान लेते हैं इक्वेटर था, ये हमारी जेट स्ट्रीम इस इलाके में मूव कर रही थी, लेकिन अब ये जो डिस्टरबेंस है जैसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब मंथ पास ऑन हो जाएगा, मतलब कि जनवरी फरवरी का मंथ आ जाएगा, तो प्रेशर जो है वो अब जो सोलर रेज ऊपर के साइड में थी, नीचे के साइड में थी, वो ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। ऊपर आने के कारण से इंसुलेशन अगेन प्रेशर जो हमारी प्रेशर की जो बेल्ट है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी और जो 20 डिग्री पे हमारा हाई प्रेशर बन रहा था वो शिफ्ट होकर के वापस से अपने 30 डिग्री पे चला जाएगा। इस तरीके से जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ रही थी वो खत्म हो जाएगी। जो जेट स्ट्रीम हिमालय के कारण से बाइफर्केट हो रही थी अब वो पूरी की पूरी हिमालय बेल्ट के बियॉन्ड या फिर नॉर्थ साइड में चली जाएगी और इस तरीके से जेट स्ट्रीम का जो इंडिया में इफेक्ट था वो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा जैसे ही ये अप्रैल क्रॉस हो जाएगा। तो जेट स्ट्रीम के बारे में थोड़ा समझ में आया क्या चीज है?
समर मानसून में आ गया, समर कंडीशन में, विंटर कंडीशन में जेट स्ट्रीम कैसे मूव कर रही है, क्लियर हो गया। और क्लियर करते हैं जरा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में, अब देखते हैं जरा जो कि किस लिए बनी है, किसके कारण से, तिब्बत के कारण से, और ये बन गई अलोंग द कोलकाता बेंगलोर बेल्ट। अब जरा देखिए यहां पर, ओके यहां पर हमारी इंडिया है इस तरीके से, केवल और केवल टॉप सरफेस बनाने की जरूरत है, बाकी उसके आगे और बनाने की जरूरत नहीं है। यहां पर हमारी जेट स्ट्रीम ये ब्लो कर रही थी, ठीक है, कहां से, ये हमारी बह रही थी, कह लीजिए कि 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में ब्लो कर रही थी। मौसम कैसा है, समर का मौसम है, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का मौसम है। यहां पर हमारी तिब्बत का प्लेटू है, दिस इज आवर, मान लेते हैं कि तिब्बत का प्लेटू, दिस इज तिब्बतन प्लेटू। यहां पर भी एक एयर राइज कर रही है, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जिसके कारण से लो प्रेशर बन गई है, लो प्रेशर बनेगी तो एयर ऊपर राइज करेगा, बादल बनाएगा, ओके। जैसे ये ऊपर आएगा वैसे ही मूव कर जाएगा राइट साइड में, क्यों राइट साइड में, क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और कोरियोलिस फोर्स इसको मूव करा देगी, तो कोरियोलिस के कारण से ये अपने राइट साइड में मूव कर गई है। राइट साइड में जैसे ही मूव करेगी ये आ जाएगी कहां पर, ये आ जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी बे ऑफ बंगाल के साइड में। उठी कहां है, जमीन पे चल रही है क्या, सरफेस पे नहीं, कहां चल रही है, ऊपर कहीं है, एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोपॉज में। इस ट्रोपोपॉज वाले स्ट्रीम को ही हम लोग बोल देते हैं जेट स्ट्रीम। और ये जो जेट स्ट्रीम नॉर्मली जो वेस्टर्ली के रूप में बह रही होती है वो इस केस में ईस्ट से वेस्ट की ओर मूव करना शुरू कर दी है। देख सकते हैं इधर के साइड में ईस्ट है, इधर के साइड में वेस्ट है, तो ईस्ट से वेस्ट में मूव करना शुरू हो जाती है। और इसी कारण से इस वाली विंड को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। समझ में आया क्या चीज है, और क्लैरिटी के साथ बताता हूं, समझ में और अच्छे से आएगा। यहां पर एक काम करते हैं, एक मैप पे चलते हैं और मैप से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आ जाएगा। वापस से अपने पुराने वाले मैप पे चलते हैं, इंडिया वाले मैप पे, ओके। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि इधर कहीं जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में, क्योंकि मौसम समर का है और समर के मौसम में हम लोगों ने देख लिया था कि इसी इलाके में, टेम्परेट इलाके में जेट स्ट्रीम ब्लो कर रही है, जो कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, जो नॉर्मल तरीके से यही होती ही है। लेकिन इस नॉर्मल तरीके में यहां पर जो हमारी तिब्बत का प्लेटू है, ये तिब्बत का प्लेटू हाई इंसुलेशन या हाई हीट के कारण से यहां पर टेम्परेचर इसका काफी ज्यादा हाई हो गया है, जिसके कारण से प्रेशर इसका काफी ज्यादा लो हो गया है। इस लो प्रेशर के कारण अगेन यहां पर एयर राइज कर गई, राइज करने के कारण से यहां पर क्लाउड बना, क्लाउड बनने के कारण चूंकि ये नॉर्थ हेमिस्फीयर में है तो अपने राइट साइड में इसकी जितनी भी विंड है वो मूव कर जाएंगी और अल्टीमेटली ये मूव करके इधर के साइड में आ जाएंगी, और अल्टीमेटली ये मूव करके चली जाएंगी कहां पे, अरेबियन पेनिनसुला या फिर बोल सकते हैं अरेबियन सी में। क्यों, क्योंकि मूव कर रही है राइट साइड में। राइट साइड में मूव करते ही अब देखिए बेसिकली इसका मूवमेंट कहां दिख रहा है, इफेक्टिव मूवमेंट, ये डायरेक्शन है ईस्ट का, ये डायरेक्शन है वेस्ट का। तो इफेक्टिवली जब आप टॉप से देखेंगे, ओवर द टॉप से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि मूवमेंट बेसिकली उल्टा हो गया है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट हो गया है। एक्चुअल में जेट स्ट्रीम हमें इस डायरेक्शन में देखने को मिलती, लेकिन अब उल्टी डायरेक्शन में आ रही है, देख सकते हैं उल्टी डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलना है सब ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट स्ट्रीम। अब समझ में आ गया जेट स्ट्रीम ईस्टरली वाली क्या चीज है, स्पेशल केस है, केवल और केवल तिब्बत के प्लेटू के कारण से बना है और केवल समर के सीजन में बनेगा ये, क्लियर। अब जरा वापस से आते हैं अपने जेट स्ट्रीम के साइड में। अब इस जेट स्ट्रीम में हम लोगों ने देख लिया कि हाँ ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम एक्सटेंड कर जाएगी नॉर्थ ऑफ तिब्बत से और ये फ्लो कर जाएगी किधर, कोलकाता बेंगलुरु एक्सेस के साइड में, कोलकाता बेंगलुरु साइड में आ जाएगी। These upper easterlies descend to permanent high pressure area. क्यों permanent high pressure area? क्योंकि ये high pressure अगर बना हुआ होगा तो इसके just ऊपर में बना होगा low pressure और इसी low pressure की तरफ ये मान लेते हैं कि तिब्बतन प्लेटू है, यहां से low pressure बनी है, ये ऊपर high pressure बनी है, movement ये jet stream का हुआ है जिसको हम लोग subtropical easterly jet stream बोल के रखे हुए हैं jet stream। और ये मूव कर जाएगी किधर, लो प्रेशर, कोई भी हवा लो प्रेशर ही चलेगी ना, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। और इस तरीके से हम लोग देख लिया कि ये ईस्ट से वेस्ट साइड में मूव कर रही है, तो ये अपने हाई प्रेशर एरिया की तरफ अट्रैक्ट होते जाएगी।
ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन, और ये बना कहां हुआ है, देख लीजिए वही सदर्न ओशियन, यहां पे सदर्न साइड में आ गया ना, सदर्न इंडियन ओशियन साइड में, क्योंकि यहीं से हवा ऐसे बू करती है, यही करती है ना, तो इस एरिया में आकर के डंप कर जाएगा, इस एरिया में आकर के गिरना शुरू हो जाएगा, सबसाइड करना शुरू हो जाएगा। दिस नेचुरली इंटेंसिफाई, ये जो होता है, बल्कि यहां पर जो सिस्टम हुआ है, क्या सिस्टम हुआ है, एक बार देखिए यहां पर फिर से एक बार मिटा करके मैं दिखाता हूं क्या सिस्टम हुआ है। यहां पर हम लोगों ने देख लिया था कि मान लेते हैं ये इंडिया का अगर टिप है तो यहां पर ITCZ इस तरीके से अंदर के साइड में मूव कर जाती है, जो हमारी विंड ट्रेड विंड कुछ इस तरीके से मूव कर रही थी और अपने लेफ्ट साइड में मूव कर रही थी बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये ऊपर जब आएंगी तो अपने राइट साइड में मूव कर जाएंगी, क्योंकि यहां पर नॉर्थ हेमिस्फीयर आ गया है, राइट में कोरियोलिस फोर्स इसको मूव करा देगा। तो इस एरिया में जो ये इंडियन ओशियन का इस एरिया है, यहां पर बनी हुई है हाई प्रेशर। कैसे बनी हुई है, अगेन इसको जरा इरेज करके दिखाता हूं। यहां पर हमारी मान लेते हैं कि ये पूरा का पूरा अर्थ, अगेन ये मान लेते हैं पूरी की पूरी हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है, यहां पे हमारा 0 डिग्री है, और चूंकि इंसुलेशन इस एरिया में ज्यादा मिल रहा है तो ITCZ मूव कर गई थी इधर, तो ऊपर का प्रेशर एरिया भी इसी तरीके से बेल्ट चमक गया था, और नीचे वाला भी प्रेशर बेल्ट तो ऊपर इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अगर लो प्रेशर है तो ये वाला कैसा है, हाई प्रेशर। यहीं पर वो सारी की सारी जो जेट स्ट्रीम है आकर के यहीं सबसाइड हो रही है, यही वो इलाका है हाई प्रेशर का, यही वो लो प्रेशर का इलाका है, यही वो तिब्बतन प्लेटू है जो लो प्रेशर पे बनी है, ऊपर इसका हाई प्रेशर बना हुआ है और इस तरीके से जेट स्ट्रीम मूव कर जा रही है। अब क्लियर हो गया, तो बेसिकली जो जेट स्ट्रीम कह सकते हैं सबसाइड कर रही है, वो इस इलाके में सदर्न हेमिस्फीयर में आकर के सबसाइड कर रही है, जहां से मूवमेंट होगी हवा की ट्रॉपिकल। ये सब क्या है, ये सब ट्रेड विंड है, ये सब ट्रेड विंड है जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रही है, ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेगी और अल्टीमेटली इक्वेटर को क्रॉस करके इंडिया के साइड में मूव कर जाएगी। क्लियर हो गया, तो हाई प्रेशर, इट इज फ्रॉम हाई प्रेशर सेल ऑनशोर विंड, ये वही ट्रेड विंड है, ब्लोइंग टुवर्ड्स द थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर एरिया डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्लियर हो गया, तो काफी डिटेल में देखा हम लोगों ने, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी क्या है। आगे अगर बात करें, आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर सच विंड बिकम साउथ वेस्टर्ली, क्योंकि अगेन वही कोरियोलिस राइट साइड में मूव करा दिया, एंड आर नोन एज साउथ वेस्टर्ली समर मॉनसून। क्लियर, दीज सरफेस विंड हैव वास्ट पोटेंशियलिटी फॉर साउथ वेस्टर्ली समर मॉनसून एंड प्रेसिपिटेशन, इट इज देयरफॉर क्लियर दैट स्ट्रेंथन द ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ परमानेंट हाई फॉर्म्ड ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन। तो परमानेंट हाई प्रेशर यहां पर बना होगा और इसी कारण से यहां पर पूरी की पूरी इस तरीके की हमें सिस्टम देखने को मिल रही होती है। क्लियर हो गया, इरेज करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। ड्यूरिंग समर मॉनसून के सीजन में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है लो प्रेशर रीजन बनेगा, कहां कहां पर लो प्रेशर, मतलब जहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा कहां होगा, जो थार का डेजर्ट होगा यानी पाकिस्तान का एरिया, या फिर राजस्थान का जो जैसलमेर का एरिया है, ये इलाका टेम्परेचर बहुत हाई बनी होगी। इस टेम्परेचर हाई के कारण से लो प्रेशर बन जाएगी, इस लो प्रेशर के कारण से जितनी भी साउथ वेस्ट विंड्स हैं वो अट्रैक्ट होती जाएंगी। अब देखिए यहां पर ये बन गया है पेशावर वही पाकिस्तान में, और नॉर्थ वेस्ट यानी कि राजस्थान के एरिया में ड्यू टू इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड ड्यूरिंग अप्रैल मई एंड जून, बट एज लॉन्ग एट पोजिशन ऑफ अपर एयर जेट स्ट्रीम इज मेंटेन्ड अबव द सरफेस लो प्रेशर ऑफ हिमालय, डायनेमिक साइक्लोन कंडीशन ईरान पाकिस्तान और इस एरिया में डेवलप हो जा रही होती है। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी सिस्टम जेट स्ट्रीम की। लास्ट पैराग्राफ के बारे में देखेंगे तो विंड डिसेंडिंग फ्रॉम द अपर एयर हाई प्रेशर ऑब्स्ट्रक्ट द एसेंट ऑफ विंड फ्रॉम द सरफेस लो प्रेशर, दिस रिजल्ट इन वेदर रिमेन्स वार्म एंड ड्राई। और इस तरीके से हमें अप्रैल और मई के सीजन में कुछ खास रेन देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रकार की कह लीजिए मॉइस्चर अवेलेबल नहीं, और इस मॉइस्चर के कारण से यहां पर चाहे हाई प्रेशर बनिए, चाहे लो प्रेशर बनिए, चाहे जेट स्ट्रीम आए, चाहे कोई भी विंड आए, मॉइस्चर जब तक नहीं रहेगा तब तक यहां पर किसी भी प्रकार की रेनफॉल हमें देखने को नहीं मिल सकती है। क्लियर हो गया यहां तक तो सीन। अब देखिए, इट मे बी नोटेड आउट दैट मॉनसून अराइव इन जो हमारी म्यांमार है और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, फिर अल्टीमेटली जो होती है बारिश वारिश हो जाती है, इसको अभी हम लोग देखते हैं क्या सीन है। बाकी अब समझ में आ गया क्या चीज है, तो जेट स्ट्रीम के बारे में क्लैरिटी आ गई। अब हम लोग जरा वापस आते हैं और जो MT श्यान ने बोला था उसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने बोला क्या है।
आ जाते हैं हम लोग वापस से माउटी इनके द्वारा कि इन्होंने क्या बोला है। तो यहां पर देखिए मौसम है जून का, यानी मौसम चल रहा है समर मानसून, समर का सीजन चल रहा है। समर के सीजन में हमें पता है कि किसी भी प्रकार की जेट स्ट्रीम इंडिया में नहीं आ पाएगी। जो भी जेट स्ट्रीम आएगी वो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगी, ईस्टर्ली सब ट्रॉपिकल वाली नहीं, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम आएगी, जो कि तिब्बतन प्लेटू के कारण से जनरेट होकर रखी हुई है। ये तो अभी हम लोगों ने देखा। एट दिस टाइम जेट स्ट्रीम नॉर्थ ऑफ हिमालय के साइड में चली गई है और तिब्बत के कारण से पोजीशन लेके रखी हुई है 40 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है। इन कंसीडर दैट देयर इज अ करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द शिफ्टिंग ऑफ द जेट एंड स्लोइंग डाउन ऑफ द वेस्टर्ली ओवर एशिया। जो हमारी तिब्बत है ये बहुत कोल्ड हो जाती है विंटर में और इस तरीके से इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है इसको जेट स्ट्रीम को अपने साइड में खींचने के लिए। तो ये सब तो खैर ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, यहां पर कुछ बताने वाली बात नहीं है। जो हमारे हमारे एम टी इन साहब हैं वो कहते हैं कि द एब्रप्ट ऑनसेट ऑफ मॉनसून समर इन द बिगिनिंग ऑफ जून इज प्रॉम्प्टेड बाय हाइड्रोडायनेमिक इफेक्ट ऑफ हिमालय। हाइड्रोडायनेमिक का मतलब हो गया जो ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो ओरोग्राफिक की वजह से ये बारिश हो रही है। एंड थर्मली इंड्यूस्ड लो प्रेशर, ये सब चीजें तो नॉर्मली है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें अगर तो देखिए समर टाइम में यहां पर बता रहा है, समर टाइम में जो थोड़ा सा मेन खेल होता है, मेन गेम समर में ही है, क्योंकि यहां पर तिब्बतन प्लेटू गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण से एंटी साइक्लोनिक कंडीशन, यहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन का मतलब वही है कि जहां पर लो प्रेशर बीच में बन जाएगा, आसपास के इलाके हाई प्रेशर से बने हुए हैं, हाई प्रेशर से बने हुए हैं, और इस कारण से यहां पर विंड आ जाती है और अल्टीमेटली इस तरीके का एक एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम बन जाता है जिसको हम लोग एंटी साइक्लोन बोलते हैं। जस्ट फॉर योर कंसेप्ट केवल यहां पर बात किया गया और यहां पर कोई चीज नहीं है। इस कारण से यहां पर जो विंड है वो ऊपर के साइड में ऊपर उठ रही होती है और इस तरीके से सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम को बना दे रही होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एंटी साइक्लोजेनेसिस। एंटी साइक्लोन वीकेंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम साउथ ऑफ हिमालय, लेकिन ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये बना दे रही होती है और ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अल्टीमेटली चली जाती है वेस्टवर्ड ऑफ इंडिया, अरेबियन सी में चली जा रही होती है और कोलकाता बैंगलोर एक्सिस को बनाते हुए इंडियन ओशियन में डिसेंड कर जाती है और जो साउथ इंडिया में साउथ इंडियन ओशियन है उसको हाई प्रेशर और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है, जिसके कारण से जो साउथ वेस्ट मानसून डेवलप हुई है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। यहां पर बातें क्या हुई हैं, बातें ये हुई हैं, ये इंडिया है जो हमारी ITCZ ऐसे मूव कर गई है, यहां पर हमारी साउथ ईस्ट फिलहाल अभी ट्रेड विंड्स हैं, ये ट्रेड विंड मूव करके इधर के साइड में अंदर आ गई हैं, अंदर आने के कारण से इसको हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड, और ये पूरा का पूरा इलाका ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम के कारण से यहां पर जब सिंकिंग हो गई है, सिंकिंग के कारण से ये ट्रेड विंड और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। इस स्ट्रांग होने के कारण से अब जो विंड अंदर की ओर जा रही होगी साउथ वेस्ट मानसून बन करके, ये और ज्यादा स्ट्रांग बन के जाएगी और ज्यादा मॉइस्चर उठा के लेके जाएगी और ज्यादा इंडिया में बारिश कर रही होगी। क्लियर। द डेटा कलेक्टेड बाई मोनेक्स सपोर्ट द हायर ऑफ इंडिया, ये सब कुछ खास नहीं है, इसको छोड़ दीजिए आप, आगे बात करते हैं। ऑन द सदर्न साइड ऑफ दिस हाई एयर एंटी साइक्लोन द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड इन फैक्ट दीज ईस्टर्ली विंड ब्लोइंग इन द मिड ट्रॉपिकल ट्रोपोस्फीयर आर नोन एज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट। तो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट वगैरह के बारे में तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर ही लिया है। तो ये हमारी पूरी की पूरी एम टी इन के द्वारा कही हुई थ्योरी के बारे में था, जहां पर एम टी इन काफी हद तक काफी डिटेल्ड मैनर में इंडियन मानसून को डिस्कस कर दिए थे, जो कि हमारे हैली साहब के द्वारा या फिर फ्रॉन साहब के द्वारा नहीं डिस्कस किया गया था। अगर हम लोग देखें हमारे हेली साहब के द्वारा क्या बोला गया था, एक एरिया ले लेते हैं। हेली ने बोला था कि केवल और केवल जो थर्मल ग्रेडियंट होती है उसके कारण से बनता है, यानी कि जो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है उसके कारण से होता है, तो ये गलत हो गया था, गलत प्रूफ करने वाले थे फ्लॉन साहब। फ्लॉन ने बोला ITCZ होता है, ITCZ के बाद में कुछ रीसेंट डेवलपमेंट हुई थी जहां पर यह बोला गया था कि केवल और केवल ITCZ ही नहीं होता है, बहुत सारी और भी चीजें होती हैं। इसके इंप्रूवमेंट को लेकर के एमटी इन साहब ने बोला कि देखिए देयर इज अ जेट स्ट्रीम एंड इट फंक्शंस डिफरेंटली इन समर मॉनसून एज वेल एज इन विंटर सीजन। तो अलग अलग सीजन में जेट स्ट्रीम अलग अलग तरीके से फंक्शन कर रही होती है, उसके फंक्शन के बारे में इन्होंने डिटेल्ड डिस्कशन कर दिया, जो कि हम लोगों ने पूरा सिस्टम देख लिया। क्लियर हो गया, जेट स्ट्रीम के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग जरा आते हैं कि मॉनसून के कारण से और भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं, और भी कुछ अलग फिनोमिनाज होती हैं जो रिसेंट में खोजी गई हैं और काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रही होती है वो।
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक फिनोमिना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल नीनो कंसेप्ट। ठीक है, एल नीनो कंसेप्ट होती है। अब एल नीनो कंसेप्ट क्या होती है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्या है। अब देखिए यहां पर यह है हमारा साउथ अमेरिका। इस साउथ अमेरिका में यह इलाका आता है पेरू का, तो दिस इज बेसिकली पेरू, और इस पेरुवियन कोस्ट बोला जाता है यहां पर। यह कौन सा इलाका है, यह अर्जेंटीना हो जाती है। ठीक है, चिली हो जाती है, अर्जेंटीना हो जा रही होती है। ठीक है, अब यहां पर जो है पेरुवियन करंट इस तरीके से यहां पर मूव कर रही होती है। कैसी करंट है ये, वेस्टर्न साइड में है, कोल्ड करंट होती है। लेकिन इस कोल्ड करंट में एक स्पेशल फिनोमिना होती है और उस स्पेशल फिनोमिना को बोला जाता है अपवेलिंग। ये अपवेलिंग क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में साइंटिस्ट अभी बिल्कुल भी कोई भी राय नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, जैसे अपवेलिंग का एक रीजन दिया था, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, अपवेलिंग का कई सारे रीजन दिए जाते हैं। जैसे एक रीजन दिया जाता है बर्ड ड्रॉपिंग्स, कि बर्ड की जो ड्रॉपिंग्स होती है वो यहां पर कह लीजिए टोपोग्राफी इस तरीके का बना देती है ओशियन के कोस्ट के पास में कि अपवेलिंग होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं नहीं, डेंसिटी डिफ्रेंसिएशन होती है इस कारण से यहां पर अपवेलिंग होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों का और भी बहुत सारा कुछ कहना है, नॉट इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं आप उसको, फिलहाल में अपवेलिंग होती है। तो जब अपवेलिंग होगी, अब फिलहाल देखिए यहां पर कोल्ड करंट है, कोल्ड करंट होने के कारण से ये जो रीजियन है ये बना होता है हाई प्रेशर रीजियन। इस हाई प्रेशर रीजियन के कारण से यहां पर एयर सिंक करती है। कैसे सिंक करती है, ऐसे सिंक करती है, यहां पर एयर सिंक कर रही होती है। 3D फिगर है, ध्यान से समझिएगा, 3D फिगर सिंक कर रही है। सिंक करने का मतलब है कहीं से ऊपर भी उठना चाहिए। जो ऊपर उठती है वो बेसिकली उठती है इस ऑस्ट्रेलिया के इलाके से और इस तरीके से आगे मूव कर जाती है और इस तरीके से यहां पर सिंकिंग होती है और यहां पर वापस से मूवमेंट इस तरीके से आ जा रहा होता है। यह मूवमेंट बहुत जरूरी होता है अदरवाइज इलाके में, ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में। देखिए यहां पर लो प्रेशर बनेगा, तो लो प्रेशर बनेगी तो हवा ऊपर उठेगी, हवा उठेगी तो सीधी सी बात है यहां पर क्लाउड बनेगा। क्लाउड बनेगा तो दो रास्ते, एक तो यहां से ये ऊपर उठा है, एक साइड इधर गया है, दूसरा साइड जाएगा हमारे इंडिया के साइड में। इस इंडिया के साइड में यहां पर भी लो प्रेशर क्रिएट होती है और ये वाला कौन सा प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर कहां पे, इस इलाके में, ITCZ के जस्ट नीचे वाले इलाके में, ताकि साउथ वेस्ट मानसून को ये स्ट्रॉन्ग करेगा और अल्टीमेटली इंडिया में बारिश कर रही होगी। ये क्लियर दिख रहा है। तो बेसिकली ये वो साइकिल होगी जो डिपेंड कर रही होगी इंडिया के साइड में विंड की फोर्स जाएगी या नहीं जाएगी। तो लो प्रेशर है, हवा यहां पर, ये बादल उठा, बादल उठा तो यहां पर बादल बारिश वारिश कर रहा है, अपना बारिश हो रही है। यहां पर बेसिकली सिंकिंग हो रही है किस इलाके में, पेरुवियन कोस्ट में, क्योंकि कोल्ड करंट है और ये हाई प्रेशर सेल बना हुआ है। लेकिन इस इलाके में होता क्या है, जब अपवेलिंग ये स्पेशल फिनोमिना होनी शुरू हो जाती है तो ये इलाका कोल्ड करंट की बजाय वार्म करंट आ जाती है यहां पर, और इस वार्म करंट के कारण अब जो प्रेशर हाई प्रेशर बना होता था वो हाई प्रेशर की बजाय अब ये लो प्रेशर रीजियन बन जाता है। इस लो प्रेशर रीजन के कारण अब यहां से माउंटेन इस तरीके से बादल बनना शुरू हो जाता है, इसको बादल बना देते हैं, यहां पर बादल बनना शुरू हो जाता है और इस बादल के कारण से यहां पर रेनफॉल होनी शुरू हो जाती है। कहां पर, पेरू में। पेरू में हर 2 से 3 साल या 5 साल पे फ्लडिंग की सिचुएशन, बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिलती है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द अपवेलिंग कंडीशन विच हैपेंड स्पेशल ओकेजन ऑफ ऑन द पेरुवियन कोस्ट। तो इस तरीके से कंडीशन होनी शुरू हो जाती है। जब ये कंडीशन इस तरीके से होनी शुरू हो जाएगी तो यहां पर बन जाएगा लो प्रेशर। लो प्रेशर के कारण से जो ये साइकिल इस तरीके से मूव करती थी पलट जाएगी। अब यहां पर देखिए लो प्रेशर बन चुका है, लो प्रेशर के कारण से हवा ऊपर उठी और अल्टीमेटली ऑस्ट्रेलिया में इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और ये साइकिल का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। इस चेंज होने के कारण से इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल ऑफ साइकिल, रिवर्सल ऑफ साइकिल। इस साइकिल को खोजा गया था वॉकर साहब के द्वारा और इसी वजह से इसका नाम रखा गया था वॉकर साइकिल। और ये साइकिल जब उल्टी हो जाती है, जब ये कंडीशन जो सर्कुलेशन है उल्टी हो जाती है, तो अब क्या होगा, अब यहां पर इरेज करते हैं और देखते हैं क्या होगा। ये इलाका अब बन गया है लो प्रेशर का। लो प्रेशर बनने के कारण से यहां पर एयर राइज कर गई, राइज करने के कारण से अब मूवमेंट हो जाएगा इधर के साइड में,
यहां पर मूवमेंट चला जाएगा इधर और साथ में आगे क्या बढ़ पाएगी क्या यहां पर, नहीं, यहां पर मूवमेंट नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली केवल और केवल इसी इलाके तक ये सीमित रह जाएगा और यहीं पर केवल और केवल रह जाएगा। अब यहां पर क्या होगा कि ये इलाका रिसीव नहीं कर पा रहा है जो यहाँ की विंड है और इस कारण से यहां पर जो मॉनसूनल एक्टिविटी हो सकती थी, स्ट्रांग हो रही थी, वो अब स्ट्रांग नहीं होगी बल्कि वीक हो जाएगी और इस वीक होने के कारण से जो मॉनसून कंडीशन इंडिया फेस करता वो फेस नहीं करेगा। ये जो मॉनसून या फिर पानी न बरसने की कंडीशन या रेनफॉल न होने की कंडीशन होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एल नीनो कंडीशन। यानी कि इस एल नीनो कंडीशन में हुआ क्या है कि अपवेलिंग होनी शुरू हो गई है और इस अपवेलिंग होने के कारण से जो पेरुवियन कोस्ट हाई कोस्ट पे बना होता था, हाई प्रेशर पे बना होता था, वो अब लो प्रेशर पे आ गया है। जो वॉकर साइकिल ऑस्ट्रेलिया में रेन कराती थी वो अब उल्टी होकर के पेरू के कोस्ट पे हैवी रेनफॉल करा रही है, रिवर्सल हो गया और इस रिवर्सल के कारण से इंडिया में ड्रॉट कंडीशन या फिर सूखे की कंडीशन देखने को मिल जाती है और इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एल नीनो कंडीशन। क्लियर हो गया क्या चीज है? अब जरा थ्योरी समझने की कोशिश करते हैं ताकि और क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है। एल नीनो के बारे में देखेंगे तो एल नीनो इसको मतलब क्राइस्ट, मतलब चाइल्ड क्राइस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये मतलब 25 दिसंबर के नियर अबाउट में हो रही होती है, इस वजह से बोलते हैं। द इंडियन मॉनसून इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन एंड सोमालियन, इसके बारे में देखेंगे। ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तीसरा नंबर है। पहले हम लोग बात करेंगे वन नंबर की एल नीनो के बारे में, फिर सदर्न ऑसिलेशन, फिर उसके बाद से सोमालिया के बारे में बात करेंगे। फिलहाल एल नीनो को समझते हैं हम। तो एल नीनो एक वार्म ओशियन करंट होती है जो कि पेरू कोस्ट पे सामने निकल के आती है दिसंबर के मौसम में, इसीलिए चाइल्ड क्राइस्ट के नाम से जाना जाता है। ये कोल्ड पेरू करंट जो एक्चुअल में फ्लो हो रही थी उसकी जगह पर वार्म रिप्लेस कर देती है और इस कारण से जो कंडीशन ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में देखने को मिलती वो अब उल्टी होना शुरू हो जाती है। द अपीयरेंस ऑफ एल नीनो रिवर्सल ऑफ कंडीशन देयर एंड डेवलप वार्म कंडीशन ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक, यानी पेरुवियन कोस्ट में गर्म कंडीशन यानी कि लो प्रेशर रीजन बना दिया, बारिश करा दिया जो कि होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उल्टा हो गया है, कोल्ड कंडीशन आ गई है ऑस्ट्रेलिया में और इस कारण से यहां पर वार्म ओशियन करेंट प्रोड्यूस हो जाती है पेरुवियन कोस्ट पे और अल्टीमेटली जो रेनफॉल होती है वो नहीं होगी। इन ब्रीफ द अकरेंस ऑफ एल नीनो रिजल्ट इन अ वीक मॉनसून कॉजिंग ड्रॉट, फ्लड एंड फेलियर ऑफ क्रॉप इन इंडिया। समझ में आ गया क्या केस है? तो पूरी कंडीशन ऑलरेडी हम लोगों ने मैप से समझ लिया है, बस उसको वर्ड्स ने यहां पर लिख दिया है। सदर्न ऑसिलेशन के बारे में अब देखते हैं सेकंड नंबर पे। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, सेम सी चीज है, बस यहां पर प्रेशर के मामले में मतलब थोड़ा सा प्रेशर का कैलकुलेशन कर लिया जाता है इस सदर्न ऑसिलेशन में। होता क्या है यहां पर, अगेन जरा देखिएगा, एक काम करते हैं मैप पे आते हैं। यहां पर होता क्या है कि हम लोग प्रेशर को काउंट कर रहे होते हैं, मतलब प्रेशर डिफरेंस देख रहे होते हैं। यहां का एक प्रेशर होता है दिस प्रेशर और यहां का प्रेशर होता है, ठीक है, यहां का प्रेशर। अगर यहां का प्रेशर लो है, यहां का प्रेशर हाई है, यानी कि पेरू का प्रेशर माइनस ऑस्ट्रेलिया का, ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का प्रेशर, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन। और इस पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन के कारण से इंडिया में हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, हैवी रेनफॉल। लेकिन वही अगर ये वैल्यू निगेटिव दे दे तो इसको हम लोग बोलते हैं निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन। इस निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन के कारण जो रेनफॉल इंडिया में हैवी होनी चाहिए थी वो अब ड्रॉट कंडीशन में सामने आ जा रही होती है। यानी कि निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन इज रिलेटेड विद एल नीनो कॉन्सेप्ट एंड पॉजिटिव इज रिलेटेड विद ला नीना कॉन्सेप्ट। दोनों का समझ में आ गया, एल नीनो ला नीना का मतलब क्या चीज है? तो बस वही चीज यहां पर बोला गया है कि सदर्न ऑसिलेशन इज नेम एस्क्राइब्ड टू द सीस ऑफ पैटर्न ऑफ मेटरोलॉजिकल चेंजेस जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशियन में ऑब्जर्व की जा रही होती है, इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस में देखी जा रही होती है। जनरली क्या होता है कि जो सरफेस प्रेशर पैसिफिक का होता है वो हायर होता है पेरू वाली साइड का, और इंडियन ओशियन का प्रेशर जो होता है वो लो होता है। ये होती है नॉर्मल कंडीशन, मॉनसूनल कंडीशन, एंड दिस इनवर्सली रिलेटेड विद द रेनफॉल। दिस सजेस्ट दैट जब लो प्रेशर इंडियन ओशियन पे रहेगा
विंटर मौसम में यानी कि पॉजिटिव ऑसिलेशन रहेगी, पॉजिटिव हम लोगों ने जो अभी देखा है, लानिना, इट इज गुड फॉर इंडियन मॉनसून, बढ़िया चीज होती है। लेकिन वही अगर उल्टा हो जाता है कि यहां पर जो होता है निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन देखने को मिल जाती है, तो इस तरीके की कंडीशन से बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है और अल्टीमेटली मॉनसून जो होनी चाहिए होती है वो वीक हो जाती है और ड्रॉट कंडीशन देखने को आ जाती है। इसको सबसे पहले देखा गया था गिलबर्ट वॉकर के द्वारा और इसी वजह से इस सेल का नाम वॉकर सेल रख दिया गया था। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो हम लोगों ने एलनिनो देख लिया, हम लोगों ने सदर्न ऑसिलेशन देख लिया। चलते हैं जरा सोमालियन करंट की तरफ और सोमालियन ओशियन के बारे में देख लेते हैं क्या कुछ है। सोमालियन ओशियन के बारे में एक बार थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए, कुछ खास है नहीं, जस्ट एक थ्योरी है, तो एक बार फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। कि जो ऑसिलेशन है बेसिकली 2 से 7 साल में देखने को मिलता है, यानी कि एल नीनो और जो ये ला नीना की कंडीशन होती है ये बेसिकली 2 से 7 साल में फ्लिप करता रहता है, ऑसिलेशन देखने को मिलती है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ऑसिलेशन। तो इस वजह से इसको सदर्न ऑसिलेशन बोलते हैं। ये प्रेशर डिफरेंस से चेक किया जाता है कैसे, एक ताहिती में और दूसरा होता है डार्विन में। ताहिती और डार्विन है कहां पर देख लीजिए, यहां पर ये जो इलाका है इस इलाके में आ जाती है ताहिती और ऑस्ट्रेलिया का पोर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं डार्विन। तो इन दोनों के प्रेशर को बेसिकली चेक किया जाता है। अगर ताहिती का प्रेशर डार्विन से ज्यादा है, ये वाला हाई है, तो पॉजिटिव सदर्न ऑसिलेशन देखने को मिलता है, गुड फॉर मॉनसून। लेकिन अगर ये लो हो जाता है और निगेटिव सदर्न ऑसिलेशन हो जाती है तो उस समय हमें वीक मॉनसूनल कंडीशन देखने को मिल जा रही होती है। क्लियर हो गया? तो बस वही चीज यहां पर बोल रहा है, इट रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इन द इंडियन ओशियन साइकिल, अ निगेटिव वैल्यू ऑफ सदर्न ऑसिलेशन लो प्रेशर पेरू कोस्ट पे, हाई प्रेशर इंडियन ओशियन पे, और इस तरीके से ये जो पुअर कंडीशन ऑफ मॉनसून देखने को मिल जा रही होती है। क्लियर? सदर्न ऑसिलेशन इज क्लोजली लिंक विद द वॉकर सर्कुलेशन, देखा अभी हम लोगों ने कि दोनों के दोनों बेसिकली एक ही चीज है या कह सकते हैं कि लिंक चीज है। तो हाई पॉजिटिव अल्टीमेटली लीड टू जोन ऑफ लो प्रेशर ओवर ऑस्ट्रेलिया और ये कन्वेक्टिव क्लाउड बनाएगा और अच्छी खासी रेनफॉल करेगा और बढ़िया चीज हो जाएगी। लेकिन वही अगर उल्टा होता है, वॉकर सर्कुलेशन जो होती है उल्टी हो जाती है, तो हमें उल्टी चीज देखने को मिल जाती है और अल्टीमेटली इस तरीके से पूरी सिस्टम देख लिया हम लोगों ने। यानी कि अगर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सदर्न ऑसिलेशन होती है तो वहां पर कोल्ड पेरू करंट रहेगी, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड बनेगा, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर हो रहा होगा और राइज इन थर्मोक्लाइन देखने को मिल रहा होगा और इस तरीके से हमें पूरी की पूरी जो कंडीशन है वो हमारे फेवर में, इंडियन मॉनसून के फेवर में देखने को मिल रही होगी। नेक्स्ट जो चीज है वो आती है हमारी सोमाली करंट। सोमाली करंट थर्ड चीज आ जाती है। ऑलरेडी हम लोगों ने एक देख लिया एल नीनो के बारे में, दूसरा हम लोगों ने देख लिया एनसो के बारे में या फिर सदर्न ऑसिलेशन के बारे में, तीसरी अब देखने वाले हैं हम लोग सोमालियन करंट के बारे में। कुछ खास नहीं है यहां पर भी, सब सेम है। होता क्या है, जो हमारी ये मान लेते हैं कि अफ्रीका है, दिस इज आवर अफ्रीका, ठीक है। इस अफ्रीका पे यहां पर आपको दिखेगा कि यहां पर सोमालिया है, सोमालिया के डाकू से याद होगा आपको, यहां पर अरेबियन पेनिनसुला इस तरीके से बन जाता और अल्टीमेटली ये गुजरात हो गया और इंडिया का पार्ट आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। यहां पर हमारी श्रीलंका हो गई और ये अल्टीमेटली इक्वेटर आ गया। यहीं पर हमारी वो हाई प्रेशर बनी हुई है, इस हाई प्रेशर के कारण चाहे वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो यहीं आकर के सिंक कर रही है, चाहे वो सदर्न ऑसिलेशन वॉकर सेल हो यहीं आके सिंक कर रही है। तो इसी इलाके में ये जो हाई प्रेशर है इसको सुपर हाई बनाने की कोशिश की जा रही होती है, जिससे कि जो लो प्रेशर इंडिया में बना हुआ है ये लो प्रेशर इस साउथ के कारण से लगातार अट्रैक्ट करेगा और अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये विंड्स जो है साउथ ईस्ट विंड जाकर के इंडियन मॉनसून की ओर टकरा रही होंगी। सोमालियन करंट भी कुछ इसी तरीके का है। तो सोमालियन करंट भी जो होता है वो अपने डायरेक्शन फ्लो को हर 6 महीने में बदल रहा होता है। नॉर्मली जो होती है लो प्रेशर रीजन यहां पर बना होता है, ये जो है ये भी लो प्रेशर रीजन बना होता है, लो प्रेशर के कारण से अगेन ये इलाका इधर की ओर में ही अट्रैक्ट होता जा रहा होता है। इन एक्सेप्शनल ईयर हर 6 से 7 साल पे लो प्रेशर एरिया इन द वेस्टर्न अरेबियन सी बिकम हाई प्रेशर जोन, ये इलाका हाई प्रेशर बन जाता है और हाई प्रेशर बनने के कारण से ही यहां पर साइक्लोन्स डेवलप हो जा रहे होते हैं और अल्टीमेटली वीकर मॉनसून यहां पर देखने को मिल जाती है। क्योंकि यहां पर देखिए हाई प्रेशर अगर बनेगा सीधी सी बात है इलाका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो भी विंड्स आ रही होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी और यहां पर जो कंसेंट्रेशन होनी चाहिए थी वो कंसंट्रेशन नहीं हो पाएगी और अल्टीमेटली जो होता है हमें इस तरीके की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा इंडियन क्लाइमेट में सिस्टम देखा, जहां पर हम लोगों ने जेट स्ट्रीम के बारे में देखा, एल नीनो के बारे में देखा, सदर्न ऑसिलेशन के बारे में देखा,
तिब्बतन प्लेटू के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने सोमालियन करंट के बारे में देखा और सारी की सारी कंडीशन को देख लिया। तो हम लोगों ने मॉनसूनल एक्टिविटी देख ली कि हमारे समर में क्या हो रही है, हमारे विंटर में क्या हो रही है। अब हम लोग जरा देखते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून कि आखिर में ये जो बर्स्ट ऑफ मॉनसून है वो कैसे हो रहा है, देखते हैं। देखिए, बर्स्ट ऑफ मॉनसून का मतलब है कि अचानक से जब रेनफॉल स्टार्ट हो जा रही होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मॉनसून। जनरली देखिए ऐसा ही हमें इंडियन मॉनसून सिस्टम में देखने को मिलता है, जहां पर केरला कोस्ट पे 1 जून को, इसके अलावा अंडमान निकोबार में मई में, और कह लीजिए आगे म्यांमार के रीजियन में हमें नियर अबाउट 10 to 15 जून को ये बर्स्ट देखने को मिल रहा होता है। क्यों हो रहा होता है बर्स्ट, अभी थोड़ी देर में समझते हैं। फिलहाल जरा थ्योरी पे आते हैं। द ऑनसेट ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज एब्रप्ट एंड ड्रामेटिक, इट इज ऑलवेज एकम्पनीड बाई टर्बुलेंट वेदर। बर्स्ट ऑफ मॉनसून इज एसोसिएटेड विद सर्टेन बेसिक चेंज इन जनरल अपर एयर सर्कुलेशन ओवर एशिया। कौन सी एयर सर्कुलेशन है, वही जेट स्ट्रीम वाली सर्कुलेशन है। मई और अप्रैल में इंसुलेशन हीट होने के कारण से धीरे धीरे जो साउथ वेस्ट मॉनसून है अब वो फ्लो होना शुरू हो जाता है वार्मेशियन की तरफ, बट नॉर्थवर्ड सर्ज जो है वो अचानक से देखने को मिलता है जब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और जो एल नीनो वाली कंडीशन थी, मतलब कि जो विंड वॉकर सेल के कारण से आ रही थी, वो दोनों के दोनों एक्यूमुलेट होना शुरू होती है और अल्टीमेटली नॉर्थ, ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो देखना शुरू हो जाती है। हाउएवर इन मई एंड अर्ली जून व्हेन द थर्मल कंडीशन आर सेटिस्फाइड, मतलब कि इंडिया में लो प्रेशर बन चुका होता है जब, तो जेट स्ट्रीम पूरी तरीके से डिसअपीयर हो चुकी होती है और अल्टीमेटली हिमालय के साउथ में जो ये कह लीजिए कि जो सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली आ रही है वो अपर ट्रफ बनाते हुए अल्टीमेटली पूरी की जो कह लीजिए कि जेट स्ट्रीम है उसको और स्ट्रॉन्ग करवा देती है और अल्टीमेटली यहां पर रेनफॉल होनी शुरू हो जा रही होती है। डिफाइंड मॉनसून सर्कुलेशन फ्रॉम द सी ऑन द लैंड इज एस्टैब्लिश्ड। समर मॉनसून जनरली बिगिन लेट मई इन मोस्ट पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया, बट ओवर इंडिया ये डिले हो जाती है और अल्टीमेटली इस तरीके से कंडीशन हमें देखने को मिल जा रही होती है। कोटेश्वरम भी हमारे एक कंट्रीब्यूटर हैं, ज्योग्राफर हैं, उन्होंने भी बताया था इसी सेम कंडीशन के बारे में जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है, जहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हो जाती है राजस्थान के एरिया में और तिब्बतन प्लेटू पर भी। इस तिब्बतन प्लेटू पे एंटी साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप होने के कारण से यहां पर एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम निकल जाती है जो कि इंडिया के साउथ में आकर के एडजस्ट करती है सर्कुलेशन पैटर्न और साउथ वेस्ट मॉनसून को और ज्यादा स्ट्रांग बना रही होती है। द मेंशनड अपर एयर सर्कुलेशन पेव द वे फॉर एडवांस ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून करंट ओवर द सब कॉन्टिनेंट। द मॉनसून करंट therefore prevailed थ्रू आउट इंडिया एंड डेप्थ ऑफ द मॉनसून इन इंडिया इज अबाउट 6.5 किलोमीटर। इस तरीके से हमें पूरा का पूरा सिस्टम, इस तरीके से पूरा पूरा मॉनसून हमें देखने को मिल जा रहा होता है। द एब्रप्ट ट्रैवल ऑफ मॉनसून इज ऑफ ग्रेट क्लाइमेटिक एंड सोशल सिग्निफिकेंस टू द पीपल ऑफ सब कॉन्टिनेंट ऑफ इंडिया। द ऑनसेट ऑफ मॉनसून पुट एंड एंड टू स्क्रैचिंग वेदर। तो इस तरीके से पूरी की पूरी सिस्टम देखने को मिलती है। गर्मी के दिनों में हमें लू टाइप की, काल वैसाखी और बहुत सारी लोकल विंड्स होती हैं उसको देखने को मिलता है, और इस तरीके से हमें काफी ज्यादा जो मॉनसूनल कंडीशन होती है वो देखने को मिल जा रही होती है। तो सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सारी चीजें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है वो होता है ब्रेक इन मॉनसून। ब्रेक का मतलब ये होता है, अब जरा फिर से ध्यान से समझिएगा, यहां पर देखिए ये मैप बनाता हूं मैं और मैप से ही समझने की कोशिश करेंगे क्या चीज है। यहां पर मैप को थोड़ा छोटा करते हैं और यहीं तक समझ में लेते हैं क्या चीज है, ठीक है। अब देखिए साउथ वेस्ट मॉनसून आई थी, अट्रैक्ट की थी, यहां पर हमारी वेस्टर्न घाट है, यहां पर हमें ईस्टर्न घाट है, दो पार्ट में टूट जा रही होती है, एक पार्ट हमारी बन जाती है जो इधर के साइड में, दूसरी पार्ट चली जाती है इधर से अल्टीमेटली पैरेलल होते हुए गारो खासी जयंती और अल्टीमेटली इंडिया की ओर में चली जा रही होती है। ये विंड निकल रही होती है गुजरात के साइड से और अल्टीमेटली ये दोनों के दोनों गैंगेटिक बेसिन या गैंगेटिक प्लेन पे मिलती है और आगे बढ़ती है, और इस तरीके से ये इलाका, मतलब कि इधर का जो रीजियन है वो इस वाले साउथ वेस्ट मॉनसून से बारिश करा देता, इधर का जो रीजन है वो अल्टीमेटली इस वाले जो कह लीजिए कि दूसरा वाला जो पार्ट है उससे बारिश होना शुरू हो जा रही होती है। ये बारिश सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में होती है और अल्टीमेटली आगे बढ़ते बढ़ते खत्म होती जाती है, क्योंकि इसके अंदर में मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होता है। इस मॉइस्चर लिमिटेड मॉइस्चर के कारण से जब ये राजस्थान, पंजाब और उत्तराखंड इस एरिया में पहुंचती है तो यहां पर बारिश नाम मात्र के लिए करती है, फिर कह सकते हैं लेस देन 25 सेंटीमीटर रेनफॉल कर रही होती है, क्योंकि इसके अंदर
मॉइस्चर नहीं बचा है, ड्राई हो चुकी है, ड्राई होने के कारण से कहीं से इसको रेनफॉल मतलब कि मॉइस्चर मिला नहीं, मिला नहीं तो सीधी सी बात है बारिश नहीं कर पाया, और इस तरीके से जो साउथ वेस्ट मानसून है निकल जा रही होती है, खत्म हो जा रही होती है बेसिकली। फिर मौसम, ये पूरा मौसम होते होते अक्टूबर का सीजन चला जाता है, और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर के बाद से अल्टीमेटली होती क्या है कि यहां पर जो कह लीजिए इंसुलेशन है, वो इंसुलेशन की जो टेंडेंसी होती है या सन की जो पोजीशन होती है वो चेंज हो जाती है, और सन की पोजीशन चेंज होने के कारण जो हमारे पास सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, वो जेट स्ट्रीम जो 35 डिग्री से 45 डिग्री की ओर मूव कर रही थी, वो शिफ्ट होकर के 20-35 डिग्री के बीच में आ जा रही होती है। ये वही शिफ्टिंग है जिसके कारण से जेट स्ट्रीम दो पार्ट में टूट जा रही होती है, एक तिब्बत के साउथ से निकलती है और एक तिब्बत के नॉर्थ से निकल जाती है। इस जेट स्ट्रीम के मूवमेंट के कारण से अल्टीमेटली ये जो ट्रॉपिकल आ रही थी वो आ रही थी कहां से, ये आ रही थी मेडिटेरेनियन से। इस मेडिटेरेनियन में यहां पर बना रहता है टेम्परेट साइक्लोन, और इस टेम्परेट साइक्लोन के कारण से अल्टीमेटली ये बारिश करते हुए आ रही होती है, और बारिश करते 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 यहां पर इंडिया में पहुंचती है, और अल्टीमेटली जो हिमाचल प्रदेश, जो हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब और जो ये कह लीजिए राजस्थान का इलाका है, इसको बारिश कर देती है। क्योंकि इसके पास में मेडिटेरेनियन सी से, फिर उसके बाद से ब्लैक सी से, फिर उसके बाद से कैस्पियन सी से बारिश उठा के मतलब पानी उठा के मॉइस्चर उठा के लेकर के आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बिहार के आगे जैसे ही बढ़ती है झारखंड के एरिया में इसमें मॉइस्चर खत्म हो जा रहा होता है, मॉइस्चर खत्म हो जाती है आगे, इसको अगेन सिंटैक्सियल बेंड ऑफ हिमालय के कारण से बे ऑफ बंगाल में पहुंचती है। बे ऑफ बंगाल में पहुंचेगी तो अच्छा खासा यहां पर पानी मिला हुआ है, पानी वाटर मॉइस्चर अवेलेबल हो जाता है, और जैसे ही ये वापस से इंडिया में एंटर करती है ये इलाका आ जाता है चेन्नई का, और चेन्नई में चूंकि यहां पर अच्छा खासा मॉइस्चर आ गया तो बहुत ही हैवी वाटरफॉल, बहुत ही हैवी रेनफॉल करती है, और इस कारण से चेन्नई में हर साल फ्लडिंग कंडीशन हो जा रही होती है। क्यों फ्लडिंग कंडीशन हो जा रही होती है समझ में आ गया होगा, ये जो वापस से मॉनसून आ रही है, जो रिटर्न हो रही है, जो ये जेट स्ट्रीम के कारण से आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर रिन्यूअल ऑफ मॉनसून। ये मॉनसून जो होती है वो आ रही है, देखेंगे आप, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, यानी कि जो मॉनसून एक्चुअल में थी वो साउथ वेस्ट थी, और जो रिट्रीटिंग है, जो उल्टी आ रही है, वो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून रेन कह लीजिए हवाएं हैं। समझ में आ गया, तो नॉर्थ ईस्ट बेसिकली जो होगी वो विंटर के सीजन में होगी, और समर के सीजन में जो होगा वो साउथ वेस्ट का मॉनसून होगा, और इस तरीके से दोनों में बारिश हो रही होगी। लेकिन इन दोनों में जब बारिश होगी तो एक इलाका है जो सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जा रहा होगा, और दूसरा फिर ये नवंबर से स्टार्ट हो जा रहा होगा, बीच में वन मंथ गैप आ जाती है। ये जो वन मंथ गैप है इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इन मॉनसून, जहां पर बारिश नहीं हो रही है। समझ में आ गया क्या चीज है, बारिश न होने का रीजन क्या है। ओके, अब हम लोग जरा इसके बारे में अगर देखें ब्रेक इन मॉनसून के बारे में, तो द माइग्रेशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल जोन इज वन ऑफ द मेजर सब सीजनल वेरिएशन ऑफ द समर साउथ वेस्टर्ली मॉनसून। मॉनसून जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है, हमेशा नहीं होती है, बल्कि सीजनल एक्टिविटी होती है, और ये अलग अलग तरीके से हो रही होती है। लेकिन जब इसको लोकली देखा जाए तो एक्टिव एंड ब्रेक मॉनसून रेस्पेक्टिवली एंड वेयर एग्जिस्ट एंड टाइम स्केल रेंजिंग फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स, और इस तरीके से मॉनसून वापस से रीअपियर होती है एनुअल साइकिल के रूप में, और इस तरीके से जो चीजें हो रही होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि वो ब्रेक इन मॉनसून हो रहा होता है। क्लियर हो गया। आगे अगर बात करें तो पीरियोडिक ड्यूरेशन देयर विल बी अ रैपिड सक्सेशन ऑफ वेदर डिस्टर्बेंस और स्टॉर्म लास्टिंग फ्यू डेज आर रेफर टू एज एक्टिव पीरियड ऑफ मॉनसून। पीरियड ड्यूरिंग विच देयर इज नो रेनफॉल ऑफ फ्यू डेज आर ब्रेक पीरियड ऑफ मॉनसून। ड्यूरिंग एन एक्टिव फेज ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम स्ट्रांग हो जा रही होती है, अपर एयर सर्कुलेशन और इस तरीके से हमें सिस्टम देखने को मिल जा रहा होता है। तो ये पूरा का पूरा ब्रेक इन मॉनसून सेशन के बारे में था, काफी कुछ लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जितना डिस्कस करना था, जितना टेक्निकलिटी थी वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब इसके आगे जब आप देखेंगे तो इसको आप लोग देखिए, अगेन सेम चीज वही लिखी हुई है, बस अलग अलग लंबे चौड़े वर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद से नोट्स बना लीजिएगा। सेम चीज है, अगर आपको कोई डाउट होता है तो अगेन वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी ही हुई है, वहां पर आप ज्वाइन करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑनसेट ऑफ मॉनसून के, मतलब किस डेट में कहां तक ये पहुंच रहा होता है। तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून के बारे में बात करें तो ये होती है रेन इज व्यूड इन मॉनसून लिटरेचर एज बर्स्ट ऑफ मॉनसून। बात ही कर लिया हम लोगों ने, बर्स्ट ऑफ मॉनसून के बारे में पूरा हम लोगों ने टॉपिक ही देखा है।
इट इज कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ थंडर स्टॉर्म प्रेडिक्शन ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून हेल्प फार्मर टू सेलेक्ट द सूटेबल क्रॉप, क्योंकि हमारे पास तीन तरीके की क्रॉपिंग होती है, रबी, खरीफ और जायद। अलग अलग मॉनसून कंडीशन के हिसाब से ये बोया जा रहा होता है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के दौरान में हम लोग रबी की क्रॉपिंग कर रहे होते हैं, साउथ वेस्ट के दौरान में हम लोग खरीफ की क्रॉपिंग कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये जो IMD के कारण से जो फोरकास्ट किया जा रहा होता है मॉनसून का, वो काफी हद तक हमारे यहाँ की जो कह लीजिए एग्रीकल्चर है उसको इम्पैक्ट कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून, मतलब कि मॉनसून किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो जब मॉनसून आता है तो सबसे पहले ऑब्वियसली वो श्रीलंका को हिट करेगा। श्रीलंका को हिट करने के बाद जो हमारी अंडमान निकोबार है वहां पर हिट करता है, और ये हिट करता है मई में। मई में हिट करने के बाद ये फिर मालाबार कोस्ट में पहुंचता है केरल में, और 1 जून को यहां पर रेनफॉल करना शुरू कर देता है। हालांकि कभी कभी लेट होती है, लेकिन ये लेट बेसिकली हो रही होती है बिकॉज ऑफ ऑल दिस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, उसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है जिसके कारण से रेनफॉल में या मॉनसून के पहुंचने में लेट होता है। इसी कारण से न्यूज में आप लोगों ने सुना होगा कि मॉनसून 1 हफ्ते की देरी से पहुंचेगा, या इस तरीके से चीजें हो रही होती हैं। क्लियर। आइसोलाइंस ऑन द एक्चुअली आइसोहाइट बोला जाता है जो सिमिलर रेनफॉल होती है उसको बोलाता है, मतलब यूनिफॉर्म या कह लीजिए सिमिलर एक जैसी जहां पर रेनफॉल होती है उसको हम लोग आइसोहाइट्स बोलते हैं। तो जहां पर भी आप आइसोहाइट देखिएगा वो समझ जाइएगा रेनफॉल बराबर हो रही है वहां पर। जैसे आइसोबार, आइसोथर्म्स होते हैं वैसे ही आइसोहाइट्स होती है। द सब्सिक्वेंट प्रोग्रेस ऑफ मॉनसून इन द कंट्री इज डिवाइडेड बाई टेपरिंग पेनिनसुला इनटू टू बाइफरकेटिंग करंट। एक चली जाती है जो बे ऑफ बंगाल साइड में चली जाती है, और दूसरी अरेबियन सी में चली जाती है। अरेबियन सी से मुंबई में 10 जून को बारिश होती है, सेंट्रल इंडिया में 15 जून तक बारिश होती है, और वही जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली रीजन है उसके कारण से 15 जून को जा करके म्यांमार के अराकान योमा में बारिश हो रही होती है, उसके बाद में यहां दिया हुआ है। अब जैसे साउथ वेस्ट मानसून यहां पर इस तरीके से आई, यहां पर ये मई में रेनफॉल करती है, यहां पर भी ये अंडमान निकोबार मई में रेनफॉल कर रही है। जब ये केरला कोस्ट पे पहुंचती है तो ये 1 जून हो जाता है, 1 जून से ये पूरा का पूरा इलाका रेनफॉल करना शुरू होता है। मुंबई में ये 10 जून तक पहुंचती है। अंदर पहुंच जाएगी मेन लाइन इंडिया में, या कह लेते हैं कि यहां पर सेंट्रल इंडिया में पहुंच गई है, और ये 15 जून हो जा रहा होता है इस इलाके में। दूसरी जो रेंज यहां से निकली है और अराकान योमा इधर में है, ये अराकान योमा में बेसिकली 15 जून को रेनफॉल कर रही होती है, और अल्टीमेटली अंदर मूव करके इस तरीके से अंदर मूव कर जा रही होती है। ये जो फर्स्ट विंग बोल सकते हैं, फर्स्ट कह लीजिए कि विंड है, और जो सेकेंड विंड है, दोनों के दोनों गैंगेटिक प्लेन में एक दूसरे को आपस में फिर से मिलती हैं, और अल्टीमेटली ड्राई होने के कारण ये राजस्थान के एरिया में ज्यादा रेनफॉल नहीं कर पाती है। तो मीनवाइल द प्रोग्रेस ऑफ बे ऑफ जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो नो लेस स्पेक्टेकुलर, और ये बे ऑफ बंगाल में जाते जाते जो होता है आगे बढ़ते हैं, और 3rd वीक ऑफ मई तक पहुंचती है अराकान योमा कोस्ट पे, चित्तागोंग मतलब कि बांग्लादेश में जाते जाते ये फिर बारिश करना शुरू कर देती हैं, और बारिश करते करते जो मेघालय रीजन, गारो खासी जयंतिया रीजन है, यहां तक आते आते अल्टीमेटली नियर अबाउट 15 जून हो जा रहा होता है। फिर ये बारिश करती है और अल्टीमेटली हिमालय के संपर्क में आने के कारण से ब्रांच जो होती है वो अंदर की ओर चली जा रही होती है, और हिमालय प्लेन या फिर कह लीजिए कि जो गैंगेटिक प्लेन है उधर के साइड में मूव कर जा रही होती है। इस मूव करने के बाद ये बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इस सब इलाके में बारिश कर रही होती है, और बारिश करते करते 1st वीक ऑफ जुलाई पहुंच जा रहा होता है, और इस तरीके से आगे जब मूव करती है तो थार डेजर्ट में चली जा रही होती है, और फिर वहां पर बारिश जो होती है नहीं कर पाती है। तो ये थी हमारी पूरी आज की पूरी डिस्कशन, काफी डिटेल में और काफी कॉम्प्लेक्स डिस्कशन थी, थोड़ा सा लंबा भी हो गया है, कोई बात नहीं, इसको आप लोग बहुत दिनों बाद भी लेक्चर पाए हैं तो इसको आप लोग नोट करिएगा। अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, या कोई सजेशन भी होता है, तो हमारे इस डिफरेंट मीडिया सोर्सेस के थ्रू आप जो होता है हम तक रीच आउट कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।